अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बट आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा आज मैं लेट हो गया, कुछ टाइमिंग्स वगैरह जो आउट हो गई और मैं कुछ काम भी कर रहा था साथ में। तो एनीवेज, जो है वो लास्ट क्लास में जो है वो इवेंट्स फॉलोड बाय माइग्रेशन, तो मदीना का टॉपिक स्टार्ट हुआ था, उसका हमने बस आखिरी का पोर्शन कम्प्लीट करना है और उसके फॉर्म बाद हम लोग जो है वो बहुत मुश्किल से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका P3 आज बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसका नाम है रिलेशन विद ज्यूज, और ज्यूज को यूजुअली जो है स्टूडेंट जो है प्रिपेयर नहीं कर रहे होते व्हेनेवर दे आर यू नो प्रिपेयरिंग फ्रॉम द बुक, क्योंकि बुक में ज्यूज को सेपरेटली कहीं पर मेंशन नहीं किया हुआ। लेकिन व्हेन वी लुक एट द पास्ट पेपर्स एग्जाम्स, आप ज्यूज के बारे में 10 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन असेस कर चुके हैं, और फिर हिपोक्रेट्स की एक पूरी कम्युनिटी थी जो कि 1/3 पॉपुलेशन थी मदीना की, उनके बारे में वो अलग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन असेस कर चुके हैं। तो ज्यूज आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हिपोक्रेट्स पढ़ेंगे, पर हमें पिछली क्लास में पैराग्राफ नंबर 4 की कुछ पॉइंट्स से जो बाकी थे वो कंप्लीट करने। तो लास्ट क्लास में व्हेन वी स्टार्टेड द टॉपिक, द क्वेश्चन वाज ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स फॉलोड बाय माइग्रेशन टू मदीना स्पेशली ब्रदरहुड। ये जो वर्डिंग थी ये नवंबर 2003 की वर्डिंग थी, और नवंबर 2003 की वर्डिंग्स में जो है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो जो फ्रेमवर्क बनेगा उसमें आपको 1AH और 2AH के तमाम इवेंट्स लिखने एक्सक्लूडिंग द बैटल ऑफ बदर। फिर मैंने इसी बुकलेट की पेज नंबर 58 पे वर्कबुक नंबर 3 भी हमने स्टार्ट कर दी थी। पेज नंबर 58 पर हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन लिखा हुआ था जिसमें इवेंट्स ऑफ वन फर्स्ट ईयर आफ्टर प्रॉफिट्स अराइवल इन मदीना का क्वेश्चन असेस हुआ है। तो कभी एग्जामिनर से फर्स्ट आफ्टर हिजरी असेस करता है, कभी 1 और 2AH दोनों को जो असेस करेगा। हम लोग जो अपना आंसर कंप्लीट कर रहे हैं उसमें हम जो है वो सारी की सारी बातें कवर कर रहे हैं। तो हमने एक इंट्रोडक्शन लिखा, कंप्लीट हो गया था वो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आला इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। हुजूर कुबा से जो है वो जब रवाना हुए तो प्रॉफिट पीस अपॉन रीच एट द क्वार्टर्स ऑफ बनु सलीम, वहां पर नबी अलैहिस्सलाम जुम्मे को स्टे करते हैं, देन प्रॉफिट व्हेन ही रीच मदीना ही रिसीव्ड अ हीरोइक वेलकम। The young girls chanted hymns for Nabi al-Islam and the man wearing their glittering armors, they welcomed and they saluted Nabi al-Islam by raising their swords. Then Prophet jab is shahar mein pahunchte to pehle iska naam Yasrib tha, baad mein iska naam Masjid al-Madina to Nabi aur Madina to Munawwara ho gaya, aur ab isko Madina hi pukara jata hai, ya Madina to Nabi ya Madina to Munawwara. Phir humne uske baad dekha ki Prophet peace upon Abu Ayyub Ansari ki ghar ruke, because the Sheikh Amal al-Qaswa first it knelt down at the property of two orphans Suhail and Sahal. And then the sea camel knelt down at the house of Hazrat Abu Ayyub Ansari, jahan par Prophet ne takriban 6 se 7 mahine ka stay kiya until the construction of Masjid Nabi was completed. Phir Masjid Nabi ki construction ke points cover kiye, azan ki baat ki ki Prophet Muhammad SAW ne resemblance ki wajah se lighting fire ko ya ringing bells ko ya phir jo hai wo honking horns ke situation ko decline kiya. Abdullah bin Zaid Hazrat Umar ke beam se ye baat jo hai finalized hui ki words of azan are gifted by Allah through the beams of these sahabas which are finalized by Hazrat Muhammad peace be upon him. फिर हमने देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना जब पहुंचते हैं तो प्रॉफिट को अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करनी थी, क्योंकि प्रॉफिट एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे तो वो स्टेट एक लीडर के हिसाब से चलेगी। तो प्रॉफिट ने औस खज़रज ने प्रॉफिट को लीडर तो मान लिया, पर प्रॉफिट ने उनके फिर जो डिफरेंसेस को डिसॉल्व किया, उनको अंसार्स बनाया। फिर प्रॉफिट ने अंसार्स और महाजरीन को पेयर भी किया और ओवरऑल दोनों कम्युनिटी के बीच में ब्रदरहुड एस्टैब्लिश किया। अब प्रॉफिट का एक ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि 2/3 पॉपुलेशन जो है मदीना की, औस हो खज़रज हो या महाजरीन हो, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आएगी वहां की 1/3 पॉपुलेशन की, जो कि ज्यूज हैं, जिनके अपने अपने ट्राइब्स हैं, अपने अपने ट्राइबल चीफ्स हैं। तो ऐसा ना हो कि पहले औस खज़रज में जंग होती थी, अब यहाँ पर मुस्लिम्स और ज्यूज में जो है वो राइवलरीज या फिर हॉस्टिलिटीज या फिर जो है वो बैटल स्टार्ट हो जाए। तो प्रॉफिट का अगला कदम यही था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि प्रॉफिट के अंडर जो है वो तमाम के तमाम जो रेजिडेंट्स ऑफ मदीना उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लें, भले वो माइनॉरिटीज हों या मेजोरिटी हों। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मदीना के लोगों को एक चीज गिफ्ट की, उसका नाम था चार्टर ऑफ मदीना। तो हमने ब्रदरहुड के टॉपिक को जो है थोड़ा सा कवर किया, लाइट डिस्कशन किया, क्योंकि यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना उसका, ब्रदरहुड अलग से सेपरेटली एक जो है वो टॉपिक असेस होता है पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हमने इस पर ज्यादा गुफ्तगु नहीं की, क्योंकि हमने ये डिस्कशन रखा हुआ है ब्रदरहुड के चैप्टर के लिए, और बाद हमने इसके पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे। अब अदर डेवलपमेंट्स में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कम्युनिटीज को अपनी लीडरशिप के बैनर के अंडर लाने के लिए उनको चार्टर ऑफ मदीना जैसी ट्रीटी साइन करेंगे। आज आप चार्टर ऑफ मदीना पूरा मेरे साथ याद करेंगे, पर अभी मैं उसके से पॉइंट्स लिखवाऊंगा, थोड़ी देर बाद ज्यूज में पूरा चार्टर ऑफ मदीना आपको याद कराऊंगा। चार्टर ऑफ मदीना पर 10 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन आ चुका है एक बार। अदर डेवलपमेंट्स में 1 आफ्टर हिजरी का आखिरी इवेंट है चार्टर ऑफ मदीना, और इसके बाद 2 आफ्टर हिजरी में जो है वो 3 बातें होंगी। Prophet is going to receive revelations regarding new obligations. Prophet peace on is going to impose new rules and regulations, जो कि मदीना की इस्लामिक स्टेट के हिसाब से new regulation laws impose होंगे। और तीसरी बात, जब सूद हराम होगा तो उसके बाद ज्यूज के टॉन्ट की वजह से मुसलमान अपना किबला फॉर द फर्स्ट टाइम चेंज करेंगे और अब मस्जिद अक्सर की बजाय नमाज पढ़ना शुरू करेंगे टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ काबा। तो 2AH के 3 इवेंट्स है ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें 2AH के इवेंट्स आएंगे, और जो वर्कबुक के एंड में क्वेश्चन पेज नंबर 58 पे लिखा है उसमें 2 आफ्टर हिजरी के वो तीनों इवेंट्स नहीं आएंगे। तो एक काम करते हैं, पैराग्राफ नंबर 4 की कुछ तैयारी शुरू करते हैं। आप लोग लिखें, अब इससे आप पैराग्राफ नंबर 4 की पॉइंट्स लिखते रहें,
उसमें समझने की ज्यादा कोई बात नहीं है सिवाय एक स्टोरी के, वो स्टोरी मैं आपको समझा दूंगा। आई होप सो कि यू गाइस वुड बी ऑन पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 3 में या पेज नंबर 4 पर जहां पर भी यहाँ पर लिखे पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 4, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम गेव द रेजिडेंट्स ऑफ मदीना, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम गेव द रेजिडेंट्स ऑफ मदीना the charter of Medina. Prophet peace be upon him gave the residents of Medina the charter of Medina. The charter of Medina. और एक काम ये कीजिएगा कि charter of Medina जो है उसको underline कर दीजिएगा। जी paragraph number 3 brotherhood वाला paragraph हो चुका है। इसमें वाले पॉइंट्स है अर्जेंट स्केप ऑफ मुहाजिरून, और ये देखे ना ये वाली आई पी मैंने लिखवाई थी 872। पैराग्राफ नंबर 3 पे क्लास खत्म हुई थी, P4 कर रहे हैं। प्रॉफिट गेव द रेजिडेंट्स ऑफ मदीना द चार्टर ऑफ मदीना। प्लीज जरा जल्दी काम कीजिएगा ताकि मैं ज्यूस का टॉपिक आज पूरा कवर कराऊं और एक ही रिकॉर्डिंग में पूरा ज्यूस आ जाए। पैराग्राफ नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट गेव द रेजिडेंट्स ऑफ मदीना द चार्टर ऑफ मदीना, द चार्टर ऑफ मदीना, चार्टर ऑफ मदीना को अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद लिखें मैं ग्रुप चैट पे बाकी पॉइंट्स भेज रहा हूं, ही अनाउंस्ड राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ही अनाउंस्ड राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। राइट्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ए सोशल राइट्स, अभी समझना नहीं है, थोड़ी देर बाद हम लोग चार्टर ऑफ मदीना पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग जो है इसकी डिटेल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। बी रिलीजियस राइट्स और सी फाइनेंशियल राइट्स। मैं चार्टर ऑफ मदीना में बिल्कुल बात नहीं कर रहा आप लोग से क्योंकि चार्टर की तफसील थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। पहला पॉइंट है प्रॉफिट गेव द रेजिडेंट्स ऑफ मदीना द चार्टर ऑफ मदीना, उसके फॉलोन बाय ग्रुप चैट पे देखिएगा, मैं चार्टर ऑफ मदीना को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ही अनाउंस राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल में राइट्स को अंडरलाइन करना है, तीन तरह के राइट्स नबी इस्लाम ने उनके लिए अनाउंस किए, सोशल राइट्स, रिलीजियस राइट्स और फाइनेंशियल राइट्स। मेरे ख्याल से ये पिक्चर आपके सामने रहेगी तो आपको चार्टर ऑफ मदीना ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये चार्टर ऑफ मदीना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ही आल्सो डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ही आल्सो डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरलाइन करना होगा। He also declared responsibilities of every individual. Responsibilities underline हो जाएंगी। A, maintaining peace in Medina. B, sharing blood money. बहुत बड़ा टॉपिक है, बल्कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके जहन में कुछ सवाल भी उठेंगे इससे रिलेटेड, शेयरिंग ब्लड मनी। C, defending Medina. अभी हमने चार्टर को बिल्कुल भी नहीं समझना, अभी सिर्फ हमने लिखने हैं इसके पॉइंट्स। डिफेंडिंग मदीना, एक्सेप्टिंग प्रॉफिट पीस अपॉन हिम एज द कॉमन हेड ऑफ मदीना, कॉमन हेड ऑफ मदीना। चार्टर ऑफ मदीना के पॉइंट्स मैंने आपके सामने जो है वो भेज दिए। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है, पैराग्राफ नंबर 4 में स्टार्ट हो गया है सेकेंड आफ्टर हिजरी। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 2AH है, आंसर हमारा P4 का ही चलता रहेगा, लेकिन इसमें सेकेंड आफ्टर हिजरी जो है वो सेपरेटली डिस्कस हो रहा है। सेकेंड आफ्टर हिजरी का जो पहला पॉइंट है उसमें आप लिखेंगे ही पीस बी अपॉन हिम रिसीव्ड रेवलेशंस He peace be upon him received revelations regarding new obligations. He received revelations regarding new obligations. देखिए, when Prophet Muhammad was living in the city of Makkah, तो मक्का में जो है वो अल्लाह आपका भला करे,
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो मक्का में नमाज फर्ज हो चुकी थी, लेकिन नमाज फर्ज होने के बाद जो बाकी जो अहकामात है इसको पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं। पिलर्स ऑफ इस्लाम पांच हैं, शहादा, सला, सौम, ज़कात और हज। तो शहादा और सला ये दो चीजें तो मक्का में इंट्रोड्यूस हुई। मदीना में फिर सेकंड हाफ हिजरी में प्रॉफिट रिसीव्ड द रेवलेशन ऑफ सूरह बकरा, जिसके थ्रू जो है फास्टिंग यानी रोजा फर्ज हुआ। फिर प्रॉफिट को इसी साल, क्योंकि आप स्टेट चला रहे थे, आपको टैक्स जो है वो कलेक्ट करने थे, नबी इस्लाम के ऊपर जो है वो आयत नाजिल हुई ज़कात से रिलेटेड, तो ज़कात का जो है वो टैक्स भी इम्पोज हुआ, यानी वो भी फर्ज हुई। इसके काफी अर्से के बाद जब हम मक्का कैप्चर कर लेंगे, यानी कि इसके भी छह साल के बाद कैप्चर ऑफ मक्का के, फिर एक साल के बाद जो है वो हज फर्ज होगा। तो अभी इस साल तीन चीजें फर्ज हो रही हैं, एक है फास्टिंग, दूसरा है ज़कात, तीसरा प्रॉब्लम ये आया कि मैं नबी अलैहिस्सलाम वाज़ लिविंग इन मक्का मदीना, तो कुरैश ने हम पे जो है वो अटैक स्टार्ट किए। तो सबसे पहला अटैक था बैटल ऑफ बदर, जो कि सेकंड आफ्टर हिजरी का ये अटैक था। तो जब हम पे हमले होना शुरू हुए तो अल्लाह ने सूरह हज की वर्सेस के थ्रू हमें परमिशन दी कि मुस्लिम्स आर नाउ अलाउड टू फाइट। तो सेकंड आफ्टर हिजरी में तीन चीजें फर्ज होती हैं, नंबर वन फास्टिंग, नंबर टू जिहाद, नंबर ज़कात, नंबर थ्री जिहाद। तो आप लिख दो उसको एबीसी करके, ए फास्टिंग, बी ज़कात और सी जिहाद। फास्टिंग, ज़कात और जिहाद। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप स्टार्ट कर दीजिएगा, ही पीस बी अपॉन हिम रिसीव्ड ऑर्डर्स अबाउट न्यू रेगुलेशंस। अब कुछ रूल्स और रेगुलेशन आ रहे हैं, ऑब्वियसली आप एक स्टेट रन करेंगे तो स्टेट में जो है वो न्यू लॉज और न्यू जो है वो रेगुलेशन आएंगे। उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बाद थोड़ा सा झगड़ा बढ़ गया। P3 तो सर मैंने पिछली क्लास में लिखवा दिया, P3 के पॉइंट्स मैंने ग्रुप चैट में भेजे थे, P3 के पॉइंट्स यहाँ पर नहीं है, P3 के पॉइंट्स ग्रुप चैट में थे। और वैसे भी मैंने फाइल आज अपलोड कर देनी, आज मैंने केव्स और इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन की फाइल अपलोड कर दी है, तो आज रात को जब मैं घर पहुंचूंगा मेरे ख्याल से मुझे 12-1 बज जाएंगे, तो उसके बाद वक्त मिला या हिम्मत हुई तो मैं आज इवेंट्स फॉलोड बाय को अपलोड कर दूंगा, वहां से आप ब्रदरहुड के पॉइंट्स देख लीजिएगा। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे और मदीना में आते तो मदीना में कुछ लॉज आए, जब हम मक्का में थे तो प्रोसिक्यूशन इतना ज्यादा था तो इनहेरिटेंस पे कोई बात नहीं हुई। तो अब प्रॉफिट पीस ऑन के ऊपर जो आयतें नासिल होती हैं उसके जो है वो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस हुए कि बेटे का जायदाद में हिस्सा कितना होगा और बेटी का जायदाद में हिस्सा कितना होगा। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत रिसीव करते हैं कि पहले जो है वो सूद हलाल था, अब सूद हराम हो गया। वो आयत हमने चैप्टर कुरान में बड़ी मजबूती से याद की थी, दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट बट अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड फॉरबिडन इंटरेस्ट। फिर मक्का में जब हम रहते थे तो खवातीन के बारे में कोई खास सूरह नाजिल नहीं हुई थी, पर मदीना में एक पूरी की पूरी सूरह खवातीन के नाम पर नाजिल हुई है, उसको बोलते हैं सूरह निसा। निसा मींस वुमेन। तो पहले जो है वो हिजाब के मामला थोड़े लाइट थे, अब हिजाब का मामला जो है वो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस होते होते फिर जो है पर्दा फर्ज हो जाएगा खवातीन पे। तो फिर यहाँ पर हम विमेन राइट्स के बारे में आयात बहुत सारी देखते हैं मदीना में। फिर हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं कि मदीना में मुसलमान आजाद है तो जायदाद का बंटवारा कैसा होगा, वो एक्सप्लेनेशन आ गई। और साथ में जो है वो सूद जो था पहले हलाल था वो हराम हो गया। सूद हराम होने पर एक पूरी स्टोरी है वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप ये एबीसी पॉइंट सीख लें, फिर मैं तफसील से आपको बात बताऊंगा जो कि इस टॉपिक के अलावा नेक्स्ट टॉपिक में भी इंट्रोड्यूस होगी। देखो, ए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, रेगुलेशन को अंडरलाइन कर लेना, ही पीसी प्रॉफिट रिसीव रेगुलेशन अबाउट न्यू रेगुलेशन में ए लिखते हैं, laws of inheritance, B में लिखे women rights, और C में आएगा prohibition of interest। और प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट पे एक आयत है हमारे पास, वो है 2:275, दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट बट अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड फॉरबिडन इंटरेस्ट। दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट बट अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड फॉरबिडन इंटरेस्ट। जो सी है हमारे पास वो जिहाद है, मैंने आखिर में टी लगा दी है, JIHAD, जिहाद। तो मुझे ये सूद वाली आयत सुना दो, तो फिर मैं सूद से रिलेटेड आपको आगे पूरी एक स्टोरी सुनाऊंगा, वो स्टोरी है चेंज ऑफ किबला के बारे में। तो मुझे आप आयत सुना दें, इसको याद नहीं हो मेरे साथ याद कर ले। अल्लाह पाक सूरह बकरा की वर्स नंबर 275 में फरमाते हैं, दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट बट अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड फॉरबिडन इंटरेस्ट। दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट बट अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड फॉरबिडन इंटरेस्ट। ये आयत सुना दें तो सर हम लोग आगे बढ़ जाए।
जोया अंसारी ने लिख दी है ये पूरी आयत, दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट, दे यहाँ पर ज्यूज हैं, बट अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, अल्लाह का जवाब ये है कि कारोबार हलाल है पर सूद हराम है। अरील साहब इतनी जल्दी में खाली आयत का एक टुकड़ा भेज के कोने में बैठ गए। इब्राहिम खैरी, साद और मशाल और फाकिया, बहुत देर से आई फाकिया। आयशा शमशाद, They say trade is like interest, but Allah has allowed trade and forbidden interest. अच्छा मैं Jews पे अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, तो आप ये देखेंगे कि first and second after हिजरी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो Jews के साथ जो है वो एक unity और एक जो है वो closeness का जो है वो relation establish करेंगे। कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें प्रॉफिट ने Jews के साथ काम किया, नहीं इबादत ऐसी थी जिसमें प्रॉफिट ने उनके साथ जो है मामला शेयर किया कि हमारी उनसे यूनिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाए, लेकिन Jews जो है वो फिर हमसे वो यूनिटी बना नहीं सके, इसके बाद Jews ने हमें जो है वो बिट्रे करना शुरू किया। तो Jews का एक प्रेयर टाइम था नून टाइम, तो नून टाइम में उनकी प्रेयर होती थी, नून टाइम में हमारी प्रेयर होती थी, तो हमारी उनकी इबादत का वक्त सेम हो गया। हमारी जो वो आफ्टरनून या नून टाइम की जो प्रेयर है उसको हम ज़ोहर बोलते हैं, तो उस वक्त मुसलमान और Jews दोनों इबादत करते हैं, तो ये रिजेम्बलेंस थी हम लोगों में। फिर जी Jews जो थे वो अल्लाह का भला करे 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10 मुहर्रम का रोजा रखा, लेकिन बाद में प्रॉफिट ने कह दिया कि मैं इनसे रिजेम्बलेंस नहीं रखूंगा, कि हमारे उनसे रिलेशन चेंज हो गए थे और प्रॉफिट चाह रहे थे कि वो यूनिकनेस रखें और 9-10 दोनों का रोजा रखें, 9-10 मुहर्रम का। फिर हम इनिशियल ईयर्स में जो फर्स्ट से सेकंड आफ्टर हिजरी है उसमें हम Jews के साथ किबला शेयर करते थे, तो Jews की इबादत का जो रुख था वो था मस्जिद अक्सा एंड द मॉस्क ऑफ जेरूसलम, हम भी मॉस्क ऑफ जेरूसलम की तरफ नमाज पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही सूद हराम हुआ, तो सूद हराम होने पे सीन ये हुआ कि Jews के 3 ट्राइब से जिनके नाम थे कैनुका, नजीर और कुरैजा, इनमें से एक ट्राइब जो बनू कैनुका था, इनका मेनली काम ही बैंकिंग था, और जब जो इंटरेस्ट की बात होगी तो बैंकिंग प्योरली बैंकिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हराम होने से Jews बहुत ज्यादा जो है वो ऑफेंसिव फील करते हैं, और Jews जो है इस पूरी सूरत हाल में दे वर नॉट लाइकिंग द फैक्ट दैट कि सूद हराम हुआ जिससे उनका बिजनेस ठप हो रहा है स्पेशली बैंकिंग का। तो यहाँ पर Jews ने फिर मुसलमानों से डिस्टेंस होकर मुसलमानों को टॉन्ट्स मारना शुरू किए, और उसमें उन्होंने जो टॉन्ट जो है वो मुसलमानों को दिया वो ये जो कि प्रॉफिट को बहुत डीपली हर्ट किया, वो ये कि आपका रिलीजन तो कौन सा कोई यूनिक है, आपके पास तो अपना किबला ही नहीं है, आप तो नमाज के लिए जो डायरेक्शन यूज करते हैं वो भी हमारी डायरेक्शन है, दैट इज द मॉस्क ऑफ जेरूसलम। ऑब्वियसली मुस्लिम से पहले क्रिश्चियंस हैं, उनसे भी कई सौ साल पहले Jews हैं, तो Jews कह रहे हैं आपका रिलीजन यूनिक नहीं है, आप तो हमारे रिलीजन से मदद लेते हैं और वो है आपका अपना किबला जो हमारे किबले को हम यूज करते हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज टॉन्टेड बाय द कम्युनिटी ऑफ Jews, सो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसका कोई जवाब नहीं था, और पूरी सूरत हाल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ही यूज टू लुक टुवर्ड्स द हेवंस टुवर्ड्स द स्काइज एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज टू स्पीक टू अल्लाह पाक, आप ही मुझे बताइए कि मैं इनके इन तानों का जवाब क्या दूं। तो Jews ने अपनी जो है वो रिलीजियस सुपरियोरिटी झाड़ने की कोशिश की और वो ये बताया कि आप रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर, आपने अपने आप को आखिरी रसूल बताते हैं, लेकिन द पॉइंट इज आपके पास अपना किबला ही नहीं है। तो अब Jews ने मुसलमानों को टॉन्ट मारा किबले के बारे में, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव द वर्स ऑफ सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स 144 और चैप्टर 2 वर्स 144 में अल्लाह पाक ने प्रॉफिट को हुक्म दिया कि अब आप अपना किबला रुख चेंज करेंगे। जरा गौर से सुनिएगा, पूरी स्टोरी एक साथ आएगी, ये अगले टॉपिक में यूज होगी। सो 2:44 में अल्लाह पाक ने सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान की तरफ देखना और अल्लाह की मदद मांगने का जिक्र किया। सो प्रॉफिट इफ यू रिमेंबर व्हेन Jews यूज्ड टू टॉन्ट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट बियॉन्ड यूज्ड टू बी डीपली हर्ट एंड प्रॉफिट बियॉन्ड रिमेंड क्वाइट, ही रिमेंड पेशेंट, बट ही लुक टुवर्ड्स द हेवन सीकिंग अल्लाहस असिस्टेंस एंड हेल्प और सीकिंग द आंसर फ्रॉम अल्लाह कि अल्लाह पाक आप मुझे बताएंगे इस थाने का मैं इनको जवाब क्या दूं। सो अल्लाह पाक ने 2:144 में ये फरमाया, वी सी The turning of your face towards the heavens for guidance. Ae Rasool, humne dekha ki jab aap aasman ki taraf hume dekh ke humse madad maangte the. We see the turning of your face towards the heavens for guidance. Now shall we turn your face towards the Qibla that will please you the most? Therefore, turn your face towards the sacred mosque. Maine aapko Miraj ka topic padhaya tha, jaldi se mujhe bata do, jab bhi hum baat karenge sacred mosque ki, to ye kis masjid ki baat ho rahi hai? Sacred mosque ka matlab hoga Masjid-e-Haram. Masjid-e-Haram jisko hum bolte hain wo hai holy building of Kaaba. So, हजरत मोहम्मद सल्लम को हुक्म हुआ कि अब आप नमाज जो है वो किबला की, आपका जो किबला डायरेक्शन आपको प्रेयर होगा वो होगा काबा, अब आप मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो इसके पीछे एक पूरी दास्तान है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एक्चुअली लीडिंग द कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी 2 रकात नमाज पढ़ा चुके थे, एक मस्जिद में हुजूर मौजूद है, आपके पीछे सहाबा मौजूद है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज लीडिंग द कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर एट दैट वेरी मोमेंट। नबी अलैहिस्सलाम वाज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स मॉस्क ऑफ जेरूसलम, क्योंकि हमारा ओल्ड किबला है। हुजूर ने दूसरी रकात जब पढ़ा ली और थर्ड यूनिट में थे,
थर्ड ईयर में प्रॉफिट कयाम में थे, इससे पहले कि रसूलुल्लाह रुकू में जाते, जिब्राइल अपीयर्ड टू हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम एंड जिब्राइल रिसाइटेड दिस पर्टिकुलर वर्स टू हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम कि आपके रब का हुक्म है कि अब से, यानी कि इतना ज्यादा अर्जेंट था ये मामला कि अभी की ये वाली नमाज भी अब मस्जिद अक्सा की तरफ नहीं होगी, मस्जिद अक्सा का किबला मंसूख हो चुका, अब जब भी कयामत तक नमाज होगी तो नमाज होगी टुवर्ड्स किबला, टुवर्ड्स सेक्रेड मॉस्क दैट इज होली बिल्डिंग ऑफ काबा। सो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है यहाँ पर एक जो मनगढ़ंत कहानी है मैं आपको समझा दूं कि कुछ किताबों ने लिखा कि जिब्राइल वेन ही अपीयर्ड टू प्रॉफिट इन द थर्ड रकात, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लम का हाथ पकड़ा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्रॉफिट को जब यूं घुमाया तो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं घूमे, प्रॉफिट के साथ सहाबा भी घूम गए, पूरी जमीन घूम गई, और पूरी जमीन जब यूं घूम गई तो प्रॉफिट आगे थे, सहाबा पीछे थे, और मुसलमानों किबला यहाँ से उठ के यहाँ चले गए। अच्छा, दोनों किबला अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में मस्जिद अक्सा है तो इस डायरेक्शन में जो होली बिल्डिंग ऑफ काबा है। तो हमने कुछ स्कॉलर से भी बात की, हिस्टोरियंस की किताबें भी पढ़ी, तो पता चला कि जनाब ये जो हाथ पकड़ के यूं घुमाने वाली बात है जो कि साइंस से कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी, प्लस ये जो रिवायत है ये रिवायत कमजोर है कि प्रॉफिट जिब्राइल ने प्रॉफिट का हाथ पकड़ा और ये प्रॉफिट भी घूमे, सहाबा भी घूम गए और जमीन भी घूम गए उस एक लम्हे के लिए, ऐसा नहीं हुआ था। इसके बारे में जो है जो स्ट्रॉन्गर रिपोर्ट है वो ये है कि जब किबला चेंज करने का हुक्म आया तो प्रॉफिट वॉज लीडिंग द कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर एंड ही वॉज इन द थर्ड यूनिट। तो मैं अब यहाँ पर स्क्रीन के सामने में कैसे बताऊँ, मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, हजरत मोहम्मद सल्लम तीसरी रकात पढ़ा रहे थे और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम इस तरफ रुख किए हुए थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जैसी नबी अलैहिस्सलाम के सामने आयत पढ़ी तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब आपको दूसरी तरफ रकातें पढ़नी है बाकी की दो। सो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टर्न अराउंड, लेकिन जब प्रॉफिट टर्न करेंगे सहाबा भी टर्न कर गए, जब नबी अलैहिस्सलाम ने टर्न किया सहाबा ने टर्न किया ये तो एक मसला हो जाएगा, इमाम तो पीछे नहीं होता। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केप्ट ऑन वॉकिंग और नबी अलैहिस्सलाम चलते रहे, सहाबा जगह देते रहे देते रहे देते रहे, और नबी अलैहिस्सलाम जब बिल्कुल फ्रंट पे जाके पहुंच गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर बाकी दो रकातें उस तरफ जाके आगे से इमामत की। जी हाँ, नमाज में अगर कोई दो सबसे ज्यादा चले तो नमाज टूट जाती है। उस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में चलने की इजाजत थी बिकॉज अ हिस्टोरिकल हैपनिंग वाज अकरिंग एंड दैट वाज कि मुसलमानों का क़िबला क़यामत तक के लिए चेंज हो रहा है। तो एक बात मशहूर कर दी गई कि एक दिन ऐसा आया था जब रसूल नमाज में बीच नमाज में चलने लगे और चलते चलते दूसरी सिम जाके खड़े हो गए, ताकि ये स्टोरी इतनी पॉपुलर हो जाए, कायनात में इतनी मशहूर हो जाए कि एक रसूल को एक दिन नमाज में इतना चलने की इजाजत दी गई। तो लोगों को जब ये स्टोरी बताई जाएगी तो मशहूर उनको ये भी बताया जाएगा कि ये चलने की वजह क्या थी कि मुसलमानों का किबला हमेशा के लिए चेंज हो रहा था, एंड दैट वाज चेंजिंग फ्रॉम मॉस्क ऑफ जेरूसलम टू द मॉस्क ऑफ काबा, दैट इज कॉल्ड बैतुल हरम। तो नबी अलैहिस्सलाम वॉक करते हुए आगे गए, लेकिन अब हम लोग को इस तरह की चलने की इजाजत नहीं है। अगर इस वक्त कोई नमाज में दो सबसे ज्यादा चल ले, जैसे कि मैं नमाज में पिछली सब में खड़ा हुआ और पिछली सब में खड़ा होकर मैं देखता हूँ कि आगे जमात चल रही है और आगे वाली सब जो है वो खाली हो गई, तो मैं एक स्टेप आगे जा सकता हूँ नमाज के दौरान में सबको फिल करने के लिए। लेकिन कोई लगातार अगर दो सफ जो होती है, जो दो रोज होती है, उस जितनी वॉकिंग कर ले तो उसकी नमाज फासिल हो जाती है, टूट जाती है फिक्र हनफिया के एतबार से। तो हमें अब नमाज में चलने की इजाजत नहीं है, उस दिन रसूल को नमाज में चलने की इजाजत थी बिकॉज अ हिस्टोरिकल हैपनिंग वॉज बीइंग डन। तो ज्यादा मजबूत जो स्टोरी है वो जमीन की घूमने वाली दास्तान जो है वो मजबूत नहीं है, वो प्रॉफिट का वॉक करना है। तो प्रॉफिट ने इस किबले की तरफ दो रकातें पढ़ाई, फिर प्रॉफिट ने इस किबले की तरफ दो रकातें पढ़ाई, तो एक ऐसी मस्जिद ये बन गई जहां पर दो किबलों की तरफ नमाज पढ़ाई गई। तो एक होता है किबला और एक से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं किबलतैन। तो इस मस्जिद का जो नाम मशहूर है, जो मस्जिद आज भी मदीना में एग्जिस्ट करती है, वहां लोग जाके नमाज अदा करते हैं, इस मस्जिद का नाम पड़ा मॉस्क अल किबलतैन, दो किबलों वाली मस्जिद। अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा कि मैं जब मस्जिद किबलतैन में गया मदीना में, और आप भी जब जाएंगे तो मस्जिद किबलतैन में, जैसे ही हम लोग अंदर दाखिल होते हैं तो बहुत सारे लोग वहां पर जो है वो फिर नवाफिल अदा करते हैं, अल्लाह आपकी जात का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि आपने हमें एक अपना यूनिक किबला दिया और हम ज्यूज के टॉन्ट से बच गए। तो हजरत मोहम्मद, यानी हम लोग जब उस मस्जिद में दाखिल होंगे तो हम काबा की तरफ मुंह करके दो रकात नफिल अदा करते हैं, जैसे ही दो रकात नफिल अदा करते हैं वापस मुड़ रहे होते हैं तो दीवार पर निशान लगे हुए, उन्होंने एरोस बनाए हुए कि प्रॉफिट ने जो दो रकात पढ़ाई थी वो इस डायरेक्शन में पढ़ाई थी, फिर यहाँ से हुजूर अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर के इस तरफ किया। वो मस्जिद यादगार है इस बात की, और वहां पर पुराना किबला भी मार्क्ड है और दूसरे जो हमारा करंट किबला है उसकी तरफ हम नमाज पढ़े। कुछ लोग कम इल्मी की वजह से उस डायरेक्शन के अलावा जब दो रकात नफिल उस तरफ पढ़ते हैं तो वो दो रकात नफिल इधर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनको वहां पर टॉन्ट किया जाता है या उनको तनकीद की जाती है, तंबीह की जाती है, और अगर ज्यादा नाराजगी तो सूरतें वहां पर डंडे भी मारते हैं कि भाई इस तरफ नमाज पढ़ना हराम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त नमाज के बीच में, अब इस बात को समझना, जिब्राइल आए प्रॉफिट से कहा ए रसूल अब आपको भी इजाजत नहीं है कि आप उस किबले की तरफ नमाज पढ़े, अब नमाज मुसलमान कयामत अगर पढ़ सकता है तो टुवर्ड्स होली बिल्डिंग ऑफ काबा पढ़ सकता है, ये किबला कैंसल्ड यानी कि मनसूख है।
जब रसूल को इजाजत नहीं मिली उस तरफ नमाज पढ़ने की उस लम्हे के बाद, तो कयामत तक अब किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है कि वो मस्जिद अक्सा की तरफ रुख होकर नमाज पढ़े। अगर आपका कभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मस्जिद अक्सा जाना होगा तो आप मस्जिद अक्सा में भी खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे टुवर्ड्स बिल्डिंग ऑफ काबा। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ये पूरी स्टोरी से मामला समझ में आया कि इस पूरी सूरत हाल में जब आप मस्जिद क़िबलतैन इंशाल्लाह जाएंगे तो बेटे सिर्फ काबा की तरफ नमाज पढ़नी है, उस तरफ को देख लेना। हाँ ये वो किबला था, नबी ने सिर्फ चेहरा किया हुआ था और निशान देख के आने, वो ज़ियारत है खाली, उस तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ना। ये बड़ी खतरे की बात है। और यहाँ पर अगर सख्त फतवा सुनाया जाए कि अगर कोई उस किबले की तरफ नमाज पढ़े तो गोया उसने ज्यूस को कॉपी किया, और जो ज्यूस को कॉपी करे किसी और कौम को तो उसका इस्लाम से बाहर निकलने का और उसका निकाह टूट जाने का अंदेशा है। तो मस्जिद क़िबलतैन जल्द जब भी जाना होगा आप सिर्फ काबा की तरफ दो रकात नफिल पढ़ेंगे, नॉट दी अदर साइड। तो ये पूरी हैपनिंग जो हुई इसके पीछे सूद का मामला था, और सूद के बाद मुसलमानों को एक और गिफ्ट मिल गया। वो गिफ्ट था कि अब मुसलमानों का किबला यूनिक है और अब मुसलमानों की जो डायरेक्शन ऑफ प्रेयर है वो भी जो है वो डिस्टिंक्टिव है, और मुसलमान किसी की भी इबादत में रिजेम्बलेंस भी नहीं रखते और मुसलमानों का किबला भी रिजेम्बलेंस वाला नहीं है। तो देखो ज्यूस टॉन्टेड प्रॉफिट अबाउट, देखो ज्यूस टॉन्टेड, बल्कि ऐसे लिखना आफ्टर दी प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट, मैं ही लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा। After the prohibition of interest, the Jews taunted Muslims about Qibla. इसको डैश बना के लिख लेते हैं। अल्लाह रिवील्ड 2:144 ऑर्डरिंग टू चेंज किबला। Muslims Qibla was switched from Mosque of Jerusalem to Kaaba. और उसके आगे एक पॉइंट लिख देगा मस्जिद क़िबलतैन, जहां पर ये किस्सा हुआ उस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़िबलतैन, का मतलब होता है दो किबलों वाली मस्जिद। भाई कुछ लोग पेज नंबर 3 पे हैं, कुछ लोग 4 पे हैं, मेरे ख्याल से मेजोरिटी स्टूडेंट्स पेज नंबर 4 पर काम कर रहे होंगे और उसी पे हमारा जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जल्दी शाबाश। क्योंकि हजरत मूसा के दौर से मुसलमान जो हैं वो मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि उस वक्त के जो मोमिन थे जो अल्लाह को मानने वाले थे वो सब नमाज पढ़ते थे, तो अल्लाह ने उसी को जारी और सारी रखा अंटिल जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो नजूल हुआ और प्रॉफिट को नया क़िबला दिया गया। चले जी, उसके बाद ज्यूस के पेज पे आ जाइएगा, मैं ये पेज दिखा रहा हूँ आपको दोबारा। व्हेन वी आर डन प्लीज गो टू पेज नंबर 5 पे हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें। प्लीज ये काम फटाफट कम्प्लीट कर लें। Muslims Qibla was switched from Mosque of Jerusalem to Kaaba. और फिर आखिरी पॉइंट था इसका मस्जिद क़िबलतैन। जी उसके पेज पे आइए और वहां पर लिखिए क्वेश्चन 1। मैं ये हटा रहा हूं पेज, सो नाउ यू नीड टू मूव टू पेज नंबर 5। क्वेश्चन 1 लिखना है। जो लोग पहुंच गए वैसे भी डिक्टेशन जो है फॉलो कर लें। आउटलाइन प्रॉफिट्स रिलेशन विद ज्यूज बिटवीन 622 and 632 AD. Question A hai, page number 5, Jews. Question A, outline Prophet peace be upon him's relation with Jews between
622 and 632 AD. Between 622 and 632 AD. अब ये याद रहे कि जब हम बात करते हैं 610 से 622 एडी, तो 610 से 622 एडी का मतलब है मक्की लाइफ, और जब हम 22 से 32 एडी की बात करते हैं तो ये आखिरी 10 साल है. These are the last 10 years of revelations, these are the last 10 years of prophet's life, and these are the last 10 years of Hazrat Muhammad peace upon his prophethood. तो 22 से 32 एडी में ही Jews मिले, क्योंकि मक्का में तो Jews नहीं थे, Jews से रिलेशन जो एस्टैब्लिश हुआ मदीना में था. तो एग्जामिनर ने जब ये सवाल दिया था एक बार, तो उसमें एग्जामिनर ने इसको जो है 22 से 32 को हाईलाइट किया. तभी वो बोलता है राइट अबाउट प्रॉफिट्स रिलेशंस विद नॉन मुस्लिम्स इन मदीना. तो ये क्वेश्चन भी बहुत मशहूर होता जा रहा है पिछले चार साल में. नॉन मुस्लिम्स इन मदीना का जब सवाल आता है, तो मदीना में दो नॉन मुस्लिम प्रॉफिट को मिले थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक नॉन मुस्लिम ज्यूज मिले थे और एक नॉन मुस्लिम आपको जो मिले थे जो दिखते मुसलमान थे पर वो मुसलमान नहीं थे. दे आर कॉल्ड मुनाफिकीन, जिनको हिपोक्रेट्स बोलते हैं, जो कि इसके फौरन बाद वाला हमारा टॉपिक होगा जो कि नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा. तो यहाँ पर तीन पैराग्राफ बनेंगे. पैराग्राफ नंबर वन में आएगा इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ नंबर टू में लिखेंगे इनिशियल रिलेशन प्लस चेंज, इनिशियल रिलेशन प्लस चेंज इन रिलेशंस. और पैराग्राफ नंबर थ्री में आएगा बिट्रेयल by Jews and their punishments. Betrayal by the Jews and their punishments. फाकी बेटा कैमरा बंद कर लें आप अपना. Relation betrayal by Jews and their punishments. बेटा please type done and you are done. ये इसके आगे फिर हमने जो है वो ऐसे काम नहीं करना है. मेरा lecture आप नहीं miss कर सकते, क्योंकि P1 से जो मैं information याद कर रहा हूँ वो मुझे आखिरी paragraph तक use करनी है. कदू start? अच्छा, तो पहले हमारा ज्यूस से रिलेशन एस्टैब्लिश होगा. उस पहले हम ज्यूस को इंट्रोड्यूस करके बताएंगे जी इनिशियली प्रॉफिट उनसे क्या रिलेशन एस्टैब्लिश किया, वो था चार्टर ऑफ मदीना. लेकिन फिर चार्टर ऑफ मदीना को वॉयलेट करना शुरू किया जब ज्यूज ने, तो उस वॉयलेशन की वजह से उसको हम काउंट करेंगे बिट्रेयल, कभी उसको हम ट्रेजडी काउंट करेंगे, और फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ स्टेट हेड इन लोगों को सजाएं देंगे. तो तीन ज्यूइश ट्राइब्स से, और तीनों ज्यूइश ट्राइब्स ने हमें वन आफ्टर अनदर ईयर जो है बिट्रे किया, और तीनों ज्यूइश ट्राइब्स को प्रॉफिट ने डिफरेंट पनिशमेंट दी. अब वो क्या पनिशमेंट क्या डिटेल्स वो समझनी है. लेकिन याद रहे कि आज का सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है उसका नाम है चार्टर ऑफ मदीना, जो कि मैं आपको ज्यूज में पढ़ाऊंगा. कोई चीज नहीं कॉपी करेंगे आप, सिर्फ आप मेरे साथ इन्फॉर्मेशन याद करेंगे. कॉपी करने का टाइम जब भी मिलेगा मैं आपको आराम से दूंगा, अभी आप सिर्फ मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated from the city of Makkah to the city of Medina, Medina में प्रॉफिट को बहुत सारी populations मिली. There was Aus, there was Khazraj, there was prophet brought Muhajirun with them. वहाँ पर Makians यानी Zoroastrians minority में थे, यानी कि worshippers of fire बहुत कम थे. वहाँ पर जो है Christians आटे में नमक के बराबर थे. लेकिन Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam जो है when he came to the city of Medina, वहाँ पर मदीना में जो आपको major one third population मिली, जो कि मदीना की एक बड़ी पॉपुलेशन थी, यानी सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन मदीना आफ्टर मुस्लिम्स वाज ज्यूज. सो ज्यूज जो थे मदीना के, दे वर थ्री ज्यूइश ट्राइब्स इन मदीना एंड देयर नेम्स आर, इनके नेम बेटा ऐसे याद करने हैं, इसको हम यूं याद करते हैं क्यू एन क्यू. हमेशा इसकी सीक्वेंस ऐसे ही रखनी है. अगर कोई बच्चा इसकी सीक्वेंस को चेंज करेगा तो वो आगे की इन्फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा परेशान होगा. तो हमने इसकी सीक्वेंस ही चेंज करनी है, जिस तरह से मैं याद कर रहा हूँ ऐसे आप लेके चलेंगे. और ये बात मैं बार बार बहुत सारे टॉपिक्स में रेफर करता हूँ, क्योंकि ज्यूइश ट्राइब्स का जब इंट्रोडक्शन आता है तो वो यही बात है जो मैं आपको भी याद करा रहा हूँ. सो इन मदीना देयर वर थ्री ज्यूइश ट्राइब्स, देयर नेम्स आर क्यू एन क्यू, कैनुका, नजीर, कुरैजा. क्यू एन क्यू, कैनुका, नजीर, कुरैजा. क्यू एन क्यू, कैनुका, नजीर, कुरैजा. बनू कैनुका ने हमें जो बिट्रे किया था 3 AH में. अभी मैं इंट्रोडक्शन के अलावा वो इंफॉर्मेशन याद करा रहा हूँ जो कि मुझे सबसे मुश्किल पहला पैराग्राफ नंबर 3 में यूज करनी है. सो थर्ड आफ्टर हिजरी में बनू कैनुका के कुछ लोगों ने मुसलमान औरत के कपड़े भी फाड़ दिए, उसको डिसऑनर किया, और साथ में एक मुसलमान लड़के का जो है मर्डर भी कर दिया.
सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनू कैनुका को बिट्रेल की और इससे ब्रीच की या वायलेशन की जो सजा थी वो ये कि बनू कैनुका वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिटी ऑफ मदीना, और बनू कैनुका जब एक्सपेल हुए मदीना से 3 एज में ये चले गए सीरिया, तो 3 एज में इनको निकाल के भेज दिया गया कहां पर, सीरिया में। 4 एज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनू नजीर की क्वार्टर्स गए थे ब्लड मनी जो है वो अमाउंट कलेक्ट करने के लिए। इंस्टेड ऑफ पेइंग द अमाउंट ऑफ ब्लड मनी दिस ट्राइब बनू नजीर दे अटेम्प्टेड टू असैसिनेट हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम बाय रोलिंग डाउन अ ह्यूज स्टोन अबाउट प्रॉफिट्स हेड एंड दे वांटेड टू क्रश प्रॉफिट मोहम्मद पीस ऑन हेड। सो व्हेन दे ट्राइड टू असैसिनेट द कॉमन चीफ ऑफ मदीना, नबी रसूल ने बनू नजीर को इस बिट्रेयल की और इस मर्डर अटेम्प्ट की जो पनिशमेंट थी वो ये, दे वर ऑल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिटी ऑफ मदीना इन 4 एज, और 4 एज में जब ये लोग मदीना से एक्सपेल हुए दे सेटल्ड एट खैबर। 5 एज में व्हेन वी वर फाइटिंग एंड वी वर डिफेंडिंग द सिटी ऑफ मदीना थ्रू अ बैटल कॉल्ड द बैटल ऑफ ट्रेंच, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रेंच 5 एज में बनू कुरैजा ने इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग द सिटी ऑफ मदीना दे ट्राइड हेल्पिंग द एनिमीज ऑफ मदीना, और इन्होंने मदीना की एनिमी कुरैश की और जो अलाइड ट्राइब्स है उनकी मदद करने की कोशिश की। सो इट वॉज कॉल्ड नॉट ओनली बिट्रेल, इट वॉज कॉल्ड ट्रेशरी। तो इन्होंने तो जो है वो गद्दार होने का जो सबूत दिया उस बैटल में। प्रॉफिट ने इनको 5 आउट ऑफ 3 में बोला लाइक बनू कैनुका बनू नजीर दे वर एक्सपेल्ड दे वर एक्साइल्ड फ्रॉम मदीना, यू शुड ऑल्सो लीव मदीना। इन्होंने प्रॉफिट का वो डिसीजन मानने से इनकार किया एंड दे डिमांडेड कि आवर पनिशमेंट शुड बी डिसाइडेड फ्रॉम आवर बुक कॉल्ड ओल्ड टेस्टामेंट जिसको तौरात बोलते हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पनिशमेंट जब तौरात से एक्सट्रैक्ट की तो पनिशमेंट थी सजाए मौत। सो दे वर एग्जीक्यूटेड, तो बनू कुरैजा जो है इनको इनके मर्दों को सजा मिली वो थी एग्जीक्यूशन की। तो मैं इसको ऐसे याद करता हूँ QNQ कैनुका नजीर कुरैजा 3 एज 4 एज 5 एज सीरिया खैबर अल्लामिया। तो कैनुका नजीर कुरैजा 3 एज 4 एज 5 एज सीरिया खैबर अल्लामिया। बनू कैनुका सीरिया चले गए 3 एज में, बनू नजीर खैबर चले गए 4 एज में, और बनू कुरैजा जो है 5 एज में कहाँ चले गए, अल्लामिया के पास। अब आप स्क्रीन देखते रहो और कोशिश करो मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसको जो है उसको लय को याद कर लें। QNQ कैनुका नजीर कुरैजा 3 एज 4 एज 5 एज सीरिया खैबर अल्लामिया। QNQ कैनुका नजीर कुरैजा 3 एज 4 एज 5 एज सीरिया खैबर अल्लामिया। अब आप मुझे ये मैसेज टाइप करके भेजेंगे, अभी कुछ टाइप मत कीजिएगा, पहले आप मुझे भेजेंगे QNQ, सो दैट आई विल बी श्योर कि आपको याद हो गया। अभी मत भेजिएगा, अभी सिर्फ सुनते रहिएगा। फिर आप मुझे मैसेज भेजेंगे कैनुका नजीर कुरैजा, सो आई विल बी सर्टन कि आपको ट्राइब्स के नाम याद हो गए। फिर आप ईयर्स बताएंगे 3 एज 4 एज 5 एज, और उसके बाद आप एरियाज बताएंगे सीरिया खैबर अल्लामिया यानी कि एग्जीक्यूटेड। तो स्टार्ट करते हैं, 3 Jewish ट्राइब्स के एब्रिविएशन क्या है, QNQ। अब इनकी फुल फॉर्म्स बताओ तीनों ट्राइब्स के नाम, सीक्वेंस खराब नहीं होनी चाहिए। तीनों ट्राइब्स के नाम है कैनुका नजीर कुरैजा। QNQ का मतलब है कैनुका नजीर कुरैजा। इन्होंने जिन ईयर्स में हमें बिट्रे किया वो ईयर्स क्या है, 3, 4 एंड 5 आफ्टर हिजरी। बिट्रेल के ईयर्स हैं 3, 4 एंड 5 आफ्टर हिजरी, और बिट्रेल के बाद इनको सजाएं मिली, 2 एक्साइल और 1 एग्जीक्यूट। वो क्या सीक्वेंस थी, 1 गया सीरिया 1 गया खैबर और 1 गया किसके पास, अल्लामिया के पास। QNQ कैनुका नजीर कुरैजा 3 एज 4 एज 5 एज सीरिया खैबर अल्लामिया, सीरिया खैबर अल्लामिया। आई होप सो कि आपको याद हो गया होगा, थोड़ा सा रिविजन में भी ये इन्फॉर्मेशन आएगी। अब एक काम करते हैं, ये वाली इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं, इसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको याद कराई है 3, 4, 5 एज की, मेरा P3 है, जब ये हमें बिट्रे करेंगे और हम उनको एग्जाइल की या एग्जीक्यूशन की सजाएं देंगे, ये P3 की तैयारी साथ में चल रही थी। अब P1 में क्या लिखना है वो समझ लो, इसको मैं मिटा देता हूँ, वरना ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग उसको कॉपी करना शुरू कर दें। इस वक्त हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें बात की इन्फॉर्मेशन याद की है। अगर मैं रिविजन पे आऊंगा तो मुझे इसका जवाब चाहिए होगा। बनू कैनुकास वर गोल्ड स्मिथ्स एंड बैंकर्स, ऑन दी अदर हैंड बनू नजीर और बनू कुरैजा की बात करें तो देवर एग्रीकल्चरिस्ट। अब यहाँ पर जब मैं इनका ऑक्यूपेशन देखता हूँ या पढ़ाता हूँ या आप समझ पढ़ते हो तो एक बात क्लियर है कि फाइनेंशियली कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। देखो किसी भी सोसाइटी में अगर हम बात करेंगे ना वेल्थ की या पैसे की, तो पैसा जो है वो सबसे ज्यादा बैंकर्स के पास होता है, वहीं से जो है सारी मनी जो है वो सर्कुलेट करती है। तो फिर बैंकर्स जो है वो अच्छा शोभा और ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं। फिर अगर किसी भी एरिया में मुल्क की वेल्थ को कैलकुलेट करना होता है तो वो देखना होता है उसके बाद गोल्ड कितना है। तो ज्यूज जो एक कम्युनिटी है उनके वो गोल्ड स्मिथ्स हैं, उनका काम ही सोने का है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्यूपेशन जो है साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग फाइनेंशियली वीक नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थे।
अच्छा वो जो ओल्ड लाइफ स्टाइल था विलेज लाइफ स्टाइल में सबसे ज्यादा जो है महंगी चीजें क्या थी, जमीन थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थे क्योंकि वही पूरे साल का अनाज होता है और साथ में लाइफ स्टॉक थे। तो दूसरा बनो नजीर बनो कुरैज़ा जमींदार हैं, इनके पास जमीनें हैं, इनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है और उस प्रोडक्शन को सेल करना या अपने लिए इस्तेमाल करना ये भी एक बात है, वो अच्छा ऑक्यूपेशन है। आज भी जमींदार बहुत अमीर होते हैं और आज भी जमीनें इसके पास है कि वो बंदा हल्का नहीं होता फाइनेंशियली। तो मैं जब इनकी ऑक्यूपेशन देखता हूँ कि कैनुकास वर गोल्डस्मिथ्स एंड बैंकर्स, बनजीर एंड बनो कुरैज़ा वर एग्रीकल्चरिस्ट, एक बात तो मुझे तय हुई कि 1/3 पॉपुलेशन थी, इसका मतलब नंबर्स में मदीना में ठीक ठाक थे। इनका बिजनेस जो है वो बहुत अमेजिंग है, तो इसका मतलब फाइनेंशियली ये लोग स्ट्रॉन्ग थे। अब इनका हमने देखना है इनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है, तो फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग है, एज नंबर्स इनका नंबर ठीक ठाक है मदीना में। आजकल जैसे इसराइल के लोग बोलते हैं ना हमारा एक ही मुल्क है, हम तो बहुत कम है, माइनॉरिटीज है, उस वक्त इनके नंबर ठीक ठाक थे, वो तो फिर हिटलर के बाद इनके नंबर बहुत कम है, हिटलर ने इनको मारा, वो तो इसके बहुत बाद जमाने की बात है। तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, नंबर्स पॉपुलेशन भी इनकी ठीक ठाक है। अब देखना है इनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है। जब मैं बात करता हूँ बनू कैनुका की, अब मैं सवाल पूछने वाला हूँ, जिसने जवाब नहीं दिया इसका मतलब वो पीछे से रिवीजन करते हुए आगे नहीं आ रहा, तो आगे के टॉपिक सारे लिंक्ड है भाई। जवाब नहीं मिला तो बात बड़ी अफसोस की होगी। बनू कैनुका जो है उनके जो अलायस थे वो थे खजरज। बनू कैनुका अगर ट्राइब खजरज के अलाये थे तो प्लीज मुझे ये बता दीजिए खजरज ट्राइब का चीफ कौन था। अब किसी किस्म की बदतमीजी होनी चाहिए। मैं मदीना में दो ट्राइब से एक था औस उसा खजरज, मैंने आपको चार्टर ऑफ वकाबा में याद कराया था। ट्राइब खजरज के चीफ का नाम साद बिन मास नहीं था, साद बिन मास ट्राइब औस के चीफ थे, खजरज के चीफ का नाम था अब्दुल्ला बिन उबे। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इन्फॉर्मेशन पहले से पक्की याद करके जानी है वरना आप P3 में बहुत परेशान हो जाएंगे। जब भी बनू कैनुका किसी मुसीबत में फंसेंगे उनकी मदद के लिए उनका अलाय ट्राइब खजरा जाएगा और आगे बढ़ के उनकी फेवर में जो बात किया करेगा उसका नाम होगा अब्दुल्ला बिन उबे, जो कि बाद में हिपोक्रेट्स का भी लीडर बना जो कि इस्लाम दुश्मन था। इसी तरह से बनू नजीर जो है, बनू कुरैज़ा जो है, उनके अलाय का नाम था ट्राइब औस। अब ये तो शर्मिंदा नहीं करो, ट्राइब औस के चीफ का नाम बता दो, इतना नाम इनका लिया था, ये अपने कजन के साथ मुसलमान हुए थे जो सेलिब्रिटी थे वहां के। ट्राइब औस के चीफ का नाम है हजरत साद बिन मास। तो समझने की बात मेरा बच्चा ये है कि अगर कभी मुसलमानों के बीच में और ज्यूस के बनू कुरैज़ा के बीच में कोई सेटलमेंट करवाने आएगा और आर्बिटर कोई चुना जाएगा तो वो होंगे हजरत साद बिन मास, जो कि हमारे लिए सीनियर सहाबी हैं और उनके अलाय ट्राइब औस के चीफ हैं। तो पता चला बनू कैनुका के अलाय खजरज और उनका चीफ अब्दुल्ला बिन उबे है, बनू कुरैज़ा के अलाय ट्राइब ऑफ औस उनका चीफ, उनके चीफ साद बिन मास है, जो कि बाद में ऐसे आर्बिटर या आर्बिट्रेटर जो है वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन बेटे बनू नजीर जो कि स्ट्रॉन्ग ट्राइब था और बनू नजीर जो कि एग्रीकल्चर से, इनका कोई भी अलाय नहीं है। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर हुआ कि इन फ्यूचर जब भी हमारे उनके साथ मामला खराब होंगे अगर उनकी मदद के लिए कोई आएगा ट्राइब औस या खजरज में से तो हम उनकी ये हेल्प या असिस्टेंस कबूल नहीं करेंगे क्योंकि बनू नजीर का कोई भी ऑफिशियल अलाय नहीं है। अब मैं बात करूं अगर इनकी तो फिर ये 1/3 पॉपुलेशन ऑफ सिटी ऑफ मदीना तो थे ही थे, लेकिन इनके जो है वो खैबर के ज्यूस के साथ रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ज्यूस खाली मदीना में नहीं, ज्यूस जो है वो खैबर में रहते थे। मदीना से 70 miles के डिस्टेंस पे एक जगह है, ये वही जगह है जहां पर हजरत अली ने गेट उखाड़ा था, हजरत अली को यहाँ पर शेर खुदा की डिस्टिंक्शन मिली थी। मदीना के ज्यूस की खैबर के ज्यूस का रिलेशनशिप अच्छी है सर, खुद हम इसका कोई सबूत देते हैं बेटा? बड़ा आसान सा सबूत है, जब हमने बनू नजीर को मदीना से एक्सपेल किया तो मदीना से एक्सपेल होके बनू नजीर जो है वो कहाँ पर गए थे? खैबर। तो बनू नजीर को मदीना से एक्साइल किया, एक बड़ा ट्राइब था और इतने बड़े ट्राइब को जो है वो शेल्टर दिया, सपोर्ट दिया और बहुत बाद में इतनी ज्यादा स्टैंडिंग और इतना ज्यादा असिस्टेंस दिया कि यहाँ से बनू नजीर ने बैटल्स लड़ी मदीना के खिलाफ। तो पता चला खैबर के ज्यूस और मदीना के ज्यूस आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड थे। वैसे भी ज्यूस हैं हमेशा से तादाद में कंपैरेटिवली पूरी दुनिया के रिलीजन्स में कम होते हैं, लेकिन इनमें यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं देखता हूं कि ये लोग जो हैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, इनका बिजनेस बड़ा अमेजिंग था, ये लोग पॉपुलेशन में भी ठीक ठाक है, मदीना के अलावा ज्यूस में खैबर में भी रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है। किसी का जो है सपोर्टर खजरज है, किसी का सपोर्टर औस है और किसी के सपोर्टर अगर मदीना में ही तो मदीना के बाहर उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, जहां पर उनको खैबर नामी इलाके से जो कि स्ट्रांगली फोर्टिफाइड एरिया वहां से बहुत अमेजिंग सपोर्ट जो है वो हासिल है। तो पॉलिटिकली देखो, इकोनॉमिकली देखो, फाइनेंशियली देखो या फिर इनको जहाँ पर जो है वो नंबर्स के हिसाब से देखो तो देवर एब्सोल्युटली अ स्ट्रांग कम्युनिटी। अब प्रॉफिट प्लीज बॉन इनसे 3 साल में कैसे डील करेंगे बात की बात है। इससे पहले कि आप कॉपी करना शुरू करें प्लीज मुझे बताएं, जो आपने एक लय याद की थी सामने नंबर नाम लिखे आ रहे हैं QNQ के बाद हमने याद किया था कैनुका नजीर कुरैज़ा, और कैनुका नजीर कुरैज़ा की जो एक्सपल्जन के ईयर्स हैं वो मुझे बताइए 3H 4H 5H, अगर एक्सपेल हुए तो ये कहाँ कहाँ पर गए
3H, 4H, 5H में ही एक्सपेल होके कहां कहां पर गए, सीरिया, खैबर और अल्लामिया। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी सीक्वेंस से याद हो गई। अब आप जल्दी से P1 कॉपी कर लो भाई, P1 कॉपी कीजिए सर, ताकि फिर मैं P2 स्टार्ट करूं। पैराग्राफ नंबर 1, अशमल साहब क्वेश्चन का तो नहीं स्क्रीन दिखा सकता मैं, आप क्वेश्चन और पैराग्राफिंग के लिए 5-6 लाइनें छोड़ दीजिए सर। आप अगर लेट आए ना तो ये आपका गुना है, ये आपका को फखर नहीं होना चाहिए कि आप जो है क्लास में 1.25 घंटा लेट आ रहे हैं और आने के बाद आप बोल रहे हैं कि पूरी क्लास की स्क्रीन हटा दो और मेरे लिए स्क्रीन लगा दो। तो शर्मिंदगी का मुजाहरा करें और लेट आ गए तो चुप करके बैठे रहें और शर्मिंदा होते रहें, बताने की बजाय कि मैं लेट आ गया हूँ, सारी कायनात अब रुक जाए क्योंकि अब जो है वो अशमल साहब आ गए हैं और अशमल साहब अगर आ गए हैं तो अशमल साहब की वजह से पूरी क्लास की पढ़ाई को रोक दिया जाए और सारी स्क्रीन को हटा दिया जाए, क्योंकि अब अशमल साहब एक VIP हैं और उनके लिए नई स्क्रीन दिखाई जाए, शुरू से पढ़ाया जाए, क्योंकि वो राजा नहीं महाराजा है। तो सर ये शर्मिंदगी की बातें हैं। आपका अपॉइंटमेंट था ना, तो मेरा भी अपॉइंटमेंट है सर इन बच्चों के साथ, तो इसलिए मैं आपको अब इग्नोर करूँ तो ज्यादा बेहतर। यू हैड एन अपॉइंटमेंट ना, सो दैट वॉज योर प्रायोरिटी। माई प्रायोरिटी इज रेस्ट ऑफ दोस किड्स जो कि टाइम पर आए, देन यू आर नॉट माई प्रायोरिटी, यू आर नॉट माई अपॉइंटमेंट राइट नाउ, माई अपॉइंटमेंट इज दिस रिमेनिंग 120 किड्स। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं उनको पीछे छोड़ के आपको अलग से स्क्रीन दिखा रहा हूं यार, सीरियसली बंदा सोच के बात किया करे। What story about World Cup in no film, Mr. Wajad? Usman Wajad, कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं आप? World Cup in no film के बारे में आप सुराका बिन मालिक और World Cup in no film को तो मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि रिसेंटली मैंने आपको सुराका बिन मालिक की स्टोरी बताई। शैतान को किसी न किसी शक्ल में आना था, तो शैतान उस शख्स की शक्ल इख्तियार करेगा जिसको मक्का के लोग सिर्फ जानते ही नहीं थे बल्कि उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे एज अ ट्राइबल चीफ। तो सुराका बिन मालिक की शक्ल में आने का फायदा ये था कि वो जो है वो मक्का का आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का से आता हुआ एक शख्स नजर आएगा जो कि एक मजबूत आदमी है, जो कि रिप्यूटेबल आदमी है, जिसकी कुरैश जो है वो इज्जत करते हैं, उसको ऑनर करते हैं, और वो जो है उनका अलाय बन के आता था, जो कि कुरैश को मालूम था कि सुराका हमारे एक दोस्तों में से एक दोस्त है। तो वो उसकी शक्ल इख्तियार करेगा जिसको कुरैश ऑनर करें, जिसकी बात को कुरैश वैल्यू करें, और वो कुरैश का एक आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का में अलाय हो। तो कुरैश के लिए मिशान के लिए सुराका की शक्ल में आना पॉलिटिकली जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी अजनबी की शक्ल में आएगा तो कुरैश उसको पहचाने ही नहीं और वो कुरैश को किसी गलत बात पे जो है वो उकसा नहीं सकता। तो सुराका की शक्ल में आने का मेन मकसद शैतान का यही होता था कि कुरैश की मीटिंग्स में मैं घुसूं और वो बात एग्री करवाऊं जो कि जो है इस्लाम के खिलाफ। जी सर स्टार्ट कर दूं पैराग्राफ नंबर 2, क्योंकि वो जो है चार्टर ऑफ मदीना हम लोग यहाँ पर याद करेंगे। कर दूं स्टार्ट प्लीज, टाइप डन व्हेन यू आर डन, ताकि हम P2 स्टार्ट करें। हमजा जफर कह रहे हैं मिनट। आई डू नॉट नो दैट सुराका एक्सेप्टेड इस्लाम, आई नेवर रेड दैट, अकॉर्डिंग टू मी सुराका डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम। जहां तक मेरी मैंने रीडिंग की भी है तो सुराका ने तो इस्लाम कबूल नहीं किया था, और अगर सुराका ने इस्लाम कबूल भी किया है तो भी शैतान सुराका की शक्ल में आ सकता है। शैतान ख्वाब में के बारे में हदीस है कि ख्वाब में शैतान किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है सिवाय अल्लाह और प्रॉफिट्स के। तो शैतान की ये इस हदीस को आप देख लें तो शैतान किसी भी शक्ल इख्तियार कर सकता है, लेकिन सिवाय दो के, एक अल्लाह और एक अल्लाह के पैगंबर। तो ये तो कोई डायलॉग ही नहीं हुआ ज़ैनब बाजी। इवन शैतान कुड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ मुस्लिम अगर आना चाहे तो। जी हजरत अमर बिन नास ने इस्लाम भी कबूल किया था, वो फ्यूचर में कॉन्करर ऑफ इजिप्ट भी बने थे और उन्होंने इजिप्ट के जो है गवर्नरशिप की पोस्ट भी संभाली थी और वहां पर उनकी मिलिट्री ऑपरेशन बहुत ज्यादा कामयाब हुई थी।
देखें अब आप वर्कबुक के इस पोर्शन पे, बल्कि आपको ये भी कॉपी करना पड़ेगा पहले, इससे पहले कि मैं चार्टर ऑफ मदीना स्टार्ट करूं, ये कॉपी कीजिए, जल्दी कॉपी करो ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसके बगैर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। पैराग्राफ नंबर 2 में आपको लिखना होगा, या आप लिख लें फिर मैं इसको समझाना और याद कराना शुरू करूंगा। P2 का पहला पॉइंट है, प्रॉफिट गेव दी रेसिडेंट्स ऑफ मदीना द चार्टर ऑफ मदीना, या प्रॉफिट गेव देम द चार्टर ऑफ मदीना, जिसमें प्रॉफिट ने तीन तरह के राइट्स डिक्लेयर किए थे, सोशल, रिलीजियस एंड फाइनेंशियल, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉफिट ने तीन डिक्लेयर की थी, पीस इन मदीना, शेयरिंग ब्लड मनी और डिफेंडिंग मदीना, और लास्ट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एज अ कॉमन हेड ऑफ मदीना। अब इसको याद करना, एक्सप्लेन करना बात की बात, पहले कॉपी करें। अच्छा प्लीज याद रखिएगा कि आपको इधर स्क्रीन पे देख लो सब लोग, ये जो आपके पास स्पेस है ये स्पेस लाजमी चाहिए, ये स्पेस लाजमी मेंटेन करना है, इसके बीच में बहुत सारी राइटिंग करवाऊंगा, तो ये राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में बहुत सारा स्पेस छोड़ना, राइट्स को लेफ्ट में ले जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बिल्कुल राइट पे ले जाना, बीच में स्पेस छोड़ना, ये स्पेस जो छोड़ेंगे इसके बीच में हम बहुत सारे पॉइंट्स लिखेंगे जो हमें याद करने, वही चार्टर ऑफ मदीना की डिटेल्स है। चलिए शाबाश, प्लीज कीप अ स्पेस बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि हम उसके बीच में काफी सारी राइटिंग कर सकें, चिपका मत दीजिएगा इनको। मैं देख लेता हूँ ज़ैनब ख्वाजा इसको, लेकिन स्टिल द डायलॉग वुड बी देयर कि सराका बिकेम अ बिलीवर, शैतान कुड अपीयर इन हिज फॉर्म, ये डायलॉग जो है ये डिबेटेबल बात है, लेकिन इसमें जो है कोई मजायका नहीं है, क्योंकि भाई जब आप इस इवेंट की बात कर रहे हैं तो जो हदीस मौजूद है उसमें बैटल ऑफ बदर के टाइम पे सराका बिन मालिक की शक्ल में शैतान आया था, और उसने जब कुरैश जो रिलक्टेंट टू गो टू द बैटल फील्ड, तो शैतान अपीयर्ड इन द शेप ऑफ सराका बिन मालिक, एंड देन ही एनकरेज्ड द पीपल ऑफ कुरैश टू गो एंड मेक एन अटैक ऑन द पार्टी ऑफ प्रॉफिट पीस अपॉन हिम सिचुएटेड इन द फील्ड ऑफ बदर। तो वी विल सी सराका बिन मालिक की प्रॉफिट से एक ट्रीटी साइन हुई है, लेकिन इस्लाम कबूल करने की बात पर मैं मुशावरत भी कर लेता हूँ, थोड़ी बुक्स भी देख लेता हूँ, फिर हम आपसे इस पर ट्यूजडे को बात करेंगे। सोशल, रिलीजियस, फाइनेंशियल और जो सामने एबीसी लिखा उसके बीच में जो है वो जगह छोड़ दीजिएगा। Prophet gave the residents of Medina the charter of Medina. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave the residents of Medina the charter of Medina. Yeah, gave them ka matlab Jews bhi hai. Teen tarah ke rights hai, social, religious and financial. Acha, ab aapne karna ye hai. Main aapko charter of Medina yaad karwane ki koshish kar raha hu. Bahut detail se hum log is pe 15-20 minute baat karenge, kyunki isko jaldi mein nahi padhna. चार्टर ऑफ मदीना जो है वो आगे दो पास पेपर्स नॉन मुस्लिम्स के क्वेश्चंस के ऐसे हैं जिसमें चार्टर ऑफ मदीना बकायदा एक इनिशियल डिटेल्ड पैराग्राफ बनेगा। तो चार्टर ऑफ मदीना की जो वर्ड थे हमारे सिलेबस में वो ये है कि रिसेंटली जब हम 2.5 साल या 2 साल पहले क्वेश्चन देखे उसमें एग्जाम ने चार्टर ऑफ मदीना पर 10 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन दिया, फॉर्चुनेटली नवंबर में आया था तो ज्यादातर बच्चे उसमें फंसे नहीं, लेकिन अब कभी भी जून में आ सकता है वो क्वेश्चन। तो चार्टर को एक्सप्लेन करना बच्चे को आना चाहिए। जो नोट्स में चार्टर ऑफ मदीना का आंसर है, नोट्स आपको जो है वो मेरे ख्याल से आज फ्राइडे है तो आपको मंडे से नोट्स मिलना या ट्यूजडे से नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। 3B जो हमने स्टार्ट कर दी है इसके नोट्स आपको फिर कोचिंग सेंटर से मिलेंगे, जो है वो आप मंडे के बाद उसको विजिट कर सकते हैं और रिसीव करने के लिए कॉपी। तो चार्टर ऑफ मदीना 10 मार्क्स में तो प्रिपेयर करना ही है, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देनी थी। नोट्स में चार्टर ऑफ मदीना लिखा है वो स्टूडेंट्स कंप्लेन ही करते हैं, सर हमने बहुत कोशिश की हमें याद नहीं हो रहा, सो प्लीज गिव अस अ सिंप्लीफाइड वर्जन, ऐसा वर्जन की आप क्लास में हमें याद कराते हैं, हम उन्हीं पॉइंट्स को फिर यूटिलाइज करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन अपना डायलॉग क्रिएट कर लेंगे। तो मैं क्लास में फिर इसको याद कराता हूँ, लेकिन पहले एब्रीविएशन फॉर्म में, बाद में डिटेल फॉर्म में, पहली बार। फिर चार्टर ऑफ मदीना हमारे पास नॉन मुस्लिम्स के जो क्वेश्चन जितने भी आते हैं उनमें लाजमी एज एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनता है, उसमें उसको बहुत डिटेल में तो नहीं लेकिन उसको 3-4 मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लेन करना होता है। तो इसको बिल्कुल लाइट मत लें, क्योंकि हमारी बहुत सारी बुक्स ने इसको सेपरेट टॉपिक नहीं बनाया, पर हमें पास्ट पेपर्स पर फोकस करना है। तो जब हजरत मोहम्मद मदीना आते हैं तो पहले ये याद रखिए कि प्रॉफिट जब मदीना आएंगे तो प्रॉफिट सबको चार्टर क्यों देंगे, उसकी बुनियादी वजह ये है कि प्रॉफिट पीस अपॉन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, और प्रॉफिट पीएम जब मदीना आते हैं तो प्रॉफिट मदीना को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। बेटे एक इस्लामिक स्टेट तो छोड़िए, एक आप छोटी सी कॉलोनी नहीं बना सकते अगर वहां पर पीस मेंटेन ना हो। तो प्रॉफिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो ये था कि हजरत मोहम्मद मदीना में पीस को मेंटेन करें। अगर पीस मेंटेन नहीं हुए, रायट्स हुए या राइवलरीज हुई या बैटल्स या स्मॉल क्लैशेस ऑफ वॉर्स हुए, तो मदीना एक इस्लामिक स्टेट कभी भी नहीं बन पाएगा और सक्सेसफुल तो बिल्कुल भी नहीं। तो हजरत मोहम्मद सबको पीस को मेंटेन करने के लिए तमाम ग्रुप्स को अपनी लीडरशिप के अंडर लेकर आना चाहते हैं। औस खज़रज आपको लीडर मानते हैं,
आपको महाजीन तो पहले से लीडर मानते हो, तो पिछले 13 साल से नबी इस्लाम के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ज्यूज और माइनॉरिटीज प्रॉफिट को अपने अपना लीडर मान नहीं, तो प्रॉफिट ने भी तमाम मदीना के लोगों को एक चार्टर दिया। ये चार्टर सिर्फ ज्यूज के लिए नहीं था, ये क्रिश्चियंस के लिए था, ये मेगियंस के लिए था, ये एथियस के लिए था, ये आइडल वर्शिपर्स के लिए भी था, और यही चार्टर ओस खजरज और महाजून के लिए था। लेकिन अभी डिस्कशन जो है वो रेफरेंस टू ज्यूज हो रही होगी, पर आप जब भी चार्टर बताएंगे बताएंगे पूरे मदीना के रेजिडेंट्स के लिए एक चार्टर था, ताकि सारे मदीना के लोगों में आपस में पीस हो। और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि एवरीबॉडी वुड कम अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रॉफिट। अजान हो जाए फिर मैं बताता हूँ, अजान होने फिर बात करते हैं। So, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इस चार्टर को जब भी प्रेजेंट कर रहे हैं रेजिडेंट्स ऑफ मदीना को, रेजिडेंट्स ऑफ मदीना के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी, लेकिन प्लीज रिमेंबर दैट द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द चार्टर ऑफ मदीना वाज टू हैविंग पीस इन मदीना, और टू हैव पीस इन मदीना वाज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेकिंग मदीना अ सेपरेट इस्लामिक स्टेट। मक्का से मदीना आए हुजूर इस्लामिक स्टेट बनाने हैं, एक स्टेट बनेगी, उसमें रूल्स रेगुलेशंस लॉज इम्पोज होंगे, उसमें इस्लाम की मेजर जो है वो जो जो लॉस प्रॉफिट प्रैक्टिस जो है वो परफॉर्म करके दिखाएंगे, तो फिर इस्लाम की जो टीचिंग्स कंप्लीट होंगी। तो एक इस्लामिक स्टेट बहुत जरूरी है इस्लाम की कंप्लीशन के लिए, एक इस्लामिक स्टेट बहुत जरूरी है, और इस्लामिक स्टेट के लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं, आप कितने सारी जो है वहाँ पर पब्लिक रहती है, ओस हैं, खजरज हैं, महाजरून हैं, फिर वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, एथियस्ट हैं, आइडल वर्शिपर्स हैं, वहाँ पर मेगियंस हैं, और वहाँ पर फिर साथ में ज्यूज की कम्युनिटी जो कि ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। तो हुजूर सबके साथ जब यहाँ चार्टर आएंगे तो पीस का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पीस तब तक मदीना में मेंटेन नहीं हो सकता जब तक पूरा मदीना इज नॉट रन बाय वन हेड। नाउ इफ यू गाइस रिमेंबर ओस खजरज के बीच में राइवलरी की वजह क्या थी, मल्टीपल लीडरशिप। तो मल्टीपल लीडरशिप की वजह से ओस खजरज हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते थे। अब ओस खजरज में और महाजून में झगड़ा नहीं हो सकता, उन तमाम के जो चीफ है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अब ऐसा ना हो कि पहले ओस खजरज में जंग होती थी, मल्टीपल लीडरशिप की वजह से ये ना हो कि अब मुस्लिम्स में और ज्यूज में जंग शुरू हो, क्योंकि ज्यूज के लीडर्स अलग हैं, मुसलमानों के लीडर प्रॉफिट है। तो हुजूर इस्लाम ने माइनॉरिटीज को भी अपनी लीडरशिप में लेना है, और माइनॉरिटीज को दो चीजों पे कायल करना है। एक, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नोबडी इज अलाउड टू वायलेट द पीस ऑफ मदीना, एंड एवरी रेजिडेंट ऑफ मदीना मस्ट एक्सेप्ट दैट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द कॉमन चीफ ऑफ मदीना। अब मदीना की जो आइडियोलॉजी, जो पॉलिटिक्स और मदीना के जो रूल्स रेगुलेशन होंगे वो एक ही माइंडसेट से चलेंगे, और वो होंगे नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज, वो होंगे नबी अलैहिस्सलाम के जो इंस्ट्रक्शंस और ताकीद। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यूज को और बाकी माइनॉरिटीज को अपनी लीडरशिप के अंदर लेकर आ रहे हैं। अब अगर किसी ने पीस की वॉयलेशन की या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप को अक्यूज किया या अब्यूज किया या उसकी अगेंस्ट किया, तो ये फिर बिट्रेयल और ये धोखों में आएगा। तो चार्टर के ये रीजन है कि चार्टर क्यों चाहिए, ताकि एक इस्लामिक स्टेट बन सके। इस्लामिक स्टेट के लिए दो चीजें जरूरी क्या थी, एक मदीना में पीस मेंटेन करना था। पीस की मेंटेनेंस के लिए जरूरी क्या था कि सारे ग्रुप्स एक लीडर के अंडर हो। अगर लीडर्स अलग अलग होंगे तो कभी भी पीस तो छोड़िए राइवलरीज ही कभी स्टॉप नहीं होंगी, और पीस मेंटेन होना पॉसिबल नहीं था। अब हुजूर इस्लाम के बारे में एक सवाल जो हमें समझना है वो ये कि ठीक है ओस मुसलमान थे, हुजूर को लीडर मानते थे, खजरज और महाजिर मुसलमान थे, हुजूर को लीडर मानते थे, तो सर खुर्रम इस बात को प्लीज जस्टिफाई करें
ये जो जीविश कम्युनिटी है, कैनुका का अलग लीडर था, नजीर का अलग था, कुरैजा का अलग था, ये जो जीविश लीडर्स हैं, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर क्यों मानेंगे? इसके बेटा दो बड़े रीजंस हैं। नंबर वन, Jews had been expecting कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी मदीना आएंगे, because they heard about Prophet peace upon his arrival, तो they were expecting कि Prophet मदीना आने के बाद उनकी बहुत तारीफ बयान करेंगे, तौरात को प्रमोट करेंगे और मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा बहुत किया करेंगे। तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी जो कि बाद में जो है नल हुई, क्योंकि प्रॉफिट पीएम तौरात नहीं कुरान प्रमोट करेंगे, तौरात तो मनसूख हो गई। प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जो है वो मूसा के अलैहिस्सलाम की नबूवत से ज्यादा अपनी नबूवत की बात करेंगे। मूसा नबी थे, प्रॉफिट खातिब उन नबी जी। तो पहले तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी प्रॉफिट के साथ कुछ, लेकिन दूसरा दे वर सो सर्टन एंड दे वर सो श्योर अबाउट द फैक्ट दैट कि जो राइट्स और जो जस्टिस और जो उनको जो है वो जो फैसिलिटीज नबी अलैहिस्सलाम जो दे सकते हैं वो उनका अपना लीडर भी दे सकता है, जो न्यूट्रलिटी प्रॉफिट में है, क्योंकि प्रॉफिट तो रसूल है और रसूलों की बात ही अलग होती है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह का इंसाफ और राइट्स उनको डिलीवर करेंगे वो उनके अपने कबीले का सरदार भी डिलीवर नहीं कर सकता, एंड दे दैट वॉज अ फैक्ट दे कुड नॉट यू नो इग्नोर। सो ये लोग प्रॉफिट की लीडरशिप के अंडर आएंगे एक एक्सपेक्टेशन की वजह से, और दूसरा श्योरिटी कि रसूल उनको वो राइट्स देंगे जो राइट्स उनको शायद उनका लीडर ने दिलवा सका। और वैसे भी प्रॉफिट मेजॉरिटी के लीडर थे तो माइनॉरिटीज को प्रॉफिट को एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा ना हो कि माइनॉरिटीज फिर जो है परेशान रहने लग जाए। सो प्रॉफिट ने किया ये कि मदीना के हर रेजिडेंट के लिए राइट्स डिक्लेयर किए, सोशल राइट्स से, रिलीजियस राइट्स से और फाइनेंशियल राइट्स से। अब जो राइट्स डिक्लेयर हुए हैं इनको एक एक करके याद करना है, जब चार्टर डिटेल से लिखा जाएगा तो तमाम राइट्स की एक्सप्लेनेशन देनी है। आपने वही लिखना है जो मैं स्क्रीन में लिखूंगा और आपने मेरे साथ लिखना है। अब अगर मैं स्क्रीन पे कोई राइटिंग करूंगा मेरा बच्चा, तो आप मेरे साथ राइटिंग करेंगे और आप राइटिंग में प्लीज ख्याल इस बात का रखें कि आप अभी सिर्फ एब्रीविएशन लिखेंगे, फुल फॉर्म आप मेरे साथ इसकी याद करेंगे, और फुल फॉर्म जब याद हो जाएगी हम इस चार्टर को याद करने का फुल फॉर्म सेपरेटली लिखेंगे अपनी वर्कबुक के एंड में। अभी आप लिखें सोशल में, ब्रैकेट बनाए, और सबसे पहले इन्होंने इनको प्रॉफिट ने क्या दिया, एक राइट था ई, ई फुल फॉर्म कहीं मत लिखना, अभी सिर्फ मेरे साथ याद करना। सो प्रॉफिट ने मदीना के रेजिडेंट्स को पहला जो राइट दिया, इसमें ज्यूस को भी राइट मिला, वो था ई। ई का मतलब है इक्वालिटी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इंश्योर्ड एवरी रेजिडेंट ऑफ मदीना कि व्हाट एवर क्लास यू बिलोंग टू, व्हाट एवर ट्राइब यू बिलोंग टू, व्हाट एवर रिलीजन यू आर फॉलोइंग, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस यू आर कंसिडर्ड एज द इक्वल रेजिडेंट ऑफ मदीना। और यहाँ पर आपके वही राइट्स होंगे, भले आप मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में, भले आप मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, भले आप ज्यू हो या पॉलिथीस्ट हो, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस आप मदीना के इक्वल रेजिडेंट काउंट होंगे। जो राइट्स ऑस हजरत महाजून यानी मुसलमानों के होंगे वही राइट्स एज अ रेजिडेंट ऑफ मदीना जो है वो माइनॉरिटीज के भी होंगे। तो प्रॉफिट ने यहाँ पर इक्वालिटी की बात की। कायदे आज़म हिंदुस्तान से आपको पाकिस्तान लेकर आ गए क्योंकि मुसलमान जब माइनॉरिटीज में थे या हिंदुओं के साथ रहते थे, मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिलते थे, मुसलमानों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। कायदे ने बोला हमें अपना ही मुल्क लेके चलने, हम सब बराबर होंगे और हम सबकी हैसियत जो है वो एक जैसी होगी। तो यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मामला लिया कि कोई भी स्टेट बनेगी तो वहां पर सबको बराबरी चाहिए। तो पहला प्रॉफिट ने इनको प्रोवाइड किया ई। ई का मतलब है मेरे, अब सब लोग टाइप करके भेजो ई का मतलब क्या है, इक्वालिटी। पूरा फुल फॉर्म बस टाइप करके भेजो, ई मीन्स इक्वालिटी, ई मीन्स इक्वालिटी। ये सोशल राइट का पहला पॉइंट था। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखो एम। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो दूसरी चीज दी वो थी एम। मेरे साथ साथ राइटिंग करनी है, मैं स्क्रीन में कुछ लिखूंगा तो आप लोग मेरे साथ राइटिंग करेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो एम प्रोवाइड किया है इसका मतलब क्या है, वो दो चीजें हैं, गौर से सुनना है। नंबर वन मिंगलिंग, नंबर टू मैरिजेस। समझिए बात को, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज प्रमोट यहाँ पर ये की कि पहले देखें दिल में ये बात आ सकती है कि हम मुसलमान हैं और नॉन मुस्लिम हैं, हम उनके साथ सोशलाइज क्यों हो, हम उनका मिंगल क्यों हो, हमें उनकी मिंगलिंग की, उनके साथ सोशल होने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को खुल के प्रमोट किया कि वेदर अ पर्सन इज अ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, all the communities are going to mix up with each other, they are going to socialize. क्योंकि प्रॉफिट जब इक्वालिटी का फैक्टर लेकर आ रहा है, जब सब लोग बराबर हैं, तो जब बराबर हैं तो कोई ऊंच नीच वाला हिसाब किताब नहीं है और सब लोग एक दूसरे का सोशलाइज होंगे। So Muslims were allowed to eat with Jews, Muslims were allowed to drink with Jews, Muslims were allowed to have gatherings with them, Muslims were allowed to do several things with them, लेकिन बस एक चीज पे मुसलमानों को पाबंदी दी हुई है कि हम उनकी इसी religious gathering में नहीं जाएंगे। तो हम उनके साथ एक difference maintain करेंगे, वो difference है religion का। हम उनकी रिलीजियस गैदरिंग्स में नहीं जाएंगे, और अगर हमारी वो रिलीजियस गैदरिंग्स में नहीं आएंगे तो ओके है, लेकिन अब कोई दुनियावी गैदरिंग है, कोई बातचीत है, कोई खाना पीना है, कोई चिट चैट है, कोई दोस्ती आ रही है, कोई पड़ोसी का रिलेशन है, तो उसमें बिल्कुल वैसे ही ताल्लुक होगा जैसे मुसलमान के साथ होता है। बस इस बात में हमें फर्क है मजहब का।
जब रिलीजन का फर्क है तो रिलीजन के फर्क का मतलब ये कि हम वो फर्क मेंटेन करेंगे, उसके अलावा हमें और कोई जो है वो उसकी बराबरी में उनसे बात करने में एतराज नहीं है। तो नाउ मिंगलिंग एक हो गया सोशलाइजेशन, मुस्लिम आर अलाउड टू ईट विद देम, ड्रिंक विद देम एंड गेट सोशलाइज्ड विद देम। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूजुअली नॉन मुस्लिम यानी पॉलिटीज के अलावा जब बात करेंगे ज्यूज की, तो प्रॉफिट ने एक स्टेप आगे बढ़ के इनके साथ मामला किया। प्रॉफिट ने ज्यूज और क्रिश्चियंस के साथ, अभी क्योंकि बात ज्यूज की ज्यादा हो रही है, प्रॉफिट ने इनमें शादियों को भी अलाउ किया, लेकिन कंडीशन अप्लाइड मिंगलिंग एंड मैरिजेस में। मिंगलिंग सोशलाइजेशन हो गया, मैरिजेस का मतलब है इनमें शादियां की जा सकती थी, कंडीशन अप्लाइड और कंडीशन समझना। Muslims were allowed to marry Jews and Christians with this condition that we were allowed to marry their women. तो मुसलमान अपनी अपनी बेटी उनको शादी में नहीं देगा, पर उनकी बेटियों से हम शादी कर सकते हैं। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, वो ये कि जब भी कोई औलाद पैदा होती है शादी के बाद, तो उसका मजहब यूजली अब्बू के जो है वो नाम से चल रहा होता है। तो मजहब अब्बू का जो होता है वो यूजली बच्चों का मजहब था। पहले तो मामला यही था, अब तो चले मामला दुनिया में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, तो अब अम्मी को फॉलो करते हैं अब्बू को, या तो कभी अम्मी अब्बू दोनों को फॉलो नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन मेजर जो मामला है वो ये कि मजहब बाप के नाम से चल रहा होगा। तो अगर हमने शादी ऐसी की जिसमें एक लड़का मुस्लिम है और एक लड़की ज्यू है, तो वो मुस्लिम वो ज्यू ही रहेगी, ये मुस्लिम ही रहेगा। शादी हलाल प्रॉफिट ने करवा दी है, लेकिन अब जब बच्चे पैदा होंगे तो बच्चे मुसलमान कहलाएंगे। अगर ऐसा होने लगे कि हम अपनी बेटियां उनको शादी में दे दें, तो लड़की मुस्लिम है लड़का ज्यू है, अब जो बच्चे पैदा होंगे वो यहूदी कहलाएंगे। तो प्रॉफिट ने इसलिए कंडीशन अप्लाई की कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, और उसके लिए ये कि मैरिजेस आर अलाउड, लेकिन मैरिजेस में We are going to marry their ladies, but we are not going to give our daughters to them, क्योंकि इस तरह से उनकी population increase होगी। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने socialization में सबसे ज्यादा पीक का relation ही शादी होता है। दो खानदानों के बीच में मामला इतने अच्छे सुलझ जाए कि उनमें शादियां होने लगे, कि वो अपनी बेटी दूसरे की शादी जो है वो निकाह में दे दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें socialization बहुत strongly impacted है। तो इस पूरी सूरत हाल में नबी इस्लाम ने इनिशियल रिलेशनशिप में ज्यूज के साथ इतना गहरा ताल्लुक रखा कि प्रॉफिट ने यहां तक कि शादियां भी अलाउ कर दी। तो एम के दो मतलब हैं, मिंगलिंग एंड मैरिजेस। ई का मतलब इक्वालिटी, एम का मतलब मिंगलिंग एंड मैरिजेस। अब आपको दो याद होंगे, ई और एम दोनों के मतलब मुझे बता दीजिए। ई और एम, अब आप मुझे लिख के भेजेंगे इक्वालिटी, मिंगलिंग एंड मैरिजेस। देखो अभी ये पीछे पीछे बार बार पीछे से पढ़ना पड़ेगा, वरना तो ना आगे के पॉइंट्स में भूलते रहेंगे, तो हम पीछे से रिवाइज करते रहेंगे। अच्छा, अब इक्वालिटी मिंगलिंग एंड मैरिज को ना पहले कॉपी करके रखना, जब मैं अगला को चैट करूंगा तो तुम ये कॉपी पेस्ट करना और उसके आगे वाला पॉइंट ऐड कर लेना, ताकि तुम्हें बार बार दोबारा टाइप ना करना पड़े। तो इक्वालिटी मिंगलिंग एंड मैरिज आपके पास कॉपी हुआ हुआ रखा हो, बाद में आपने इसको पेस्ट करना है और अगला पॉइंट ऐड करना है जब मैं आपसे पूछूंगा। इक्वालिटी मिंगलिंग एंड मैरिजेस, मोहम्मद ऐसे लिखे ना मैरिंग बॉयज, भाई वी वर अलाउड टू मैरी देयर गर्ल्स नॉट बॉयज। इक्वालिटी मिंगलिंग एंड मैरिजेस, ये दो पॉइंट्स हो गए। उसके बाद लिखो जे जे, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इक्वालिटी मिंगलिंग एंड मैरिजेस के बाद लिखो जे, जे का मतलब क्या है फिर वो समझ लेना। जे का मतलब होगा जस्टिस, और जस्टिस के मामले में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां इंश्योर किया कि प्रॉफिट पीस ऑन इज गोइंग टू बी द कॉमन चीफ ऑफ मदीना। पहली बात ये समझना कि whatever breach is happening, whatever violation is going to occur in the city of Medina, it must be reported to the common chief of Medina, that is Muhammad peace upon him. बात समझना, political गुफ्तगू हो रही है। अगर मदीना में कोई झगड़ा हुआ, उसको रिपोर्ट भी प्रॉफिट को करना होगा, और उसका फैसला सिर्फ रसूल कर सकते हैं, रसूल है पूरे मदीना के चीफ। अगर किसी शख्स ने आपस में मामला के वो जो फैसले करना शुरू किए, तो ये ब्रीच होगी एंड इट वुड बी अक्यूजेशन टू प्रॉफिट्स लीडरशिप, तो ये चार्टर ऑफ मदीना की वायलेशन कहलाएगी। तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम इज गोइंग टू गिव हिम द श्योरिटी दैट प्रॉफिट वाज नॉट ओनली सादिक, ही वाज नॉट ओनली अमीन, प्रॉफिट वाज आल्सो आदिल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ मैन ऑफ जस्टिस। प्रॉफिट बीन इंश्योर्ड दैट कि व्हाटएवर क्लास यू बिलोंग टू, व्हाटएवर रिलीजन यू बिलोंग टू, मैटर्स विल बी डिसाइडेड ऑन बेस्ड ऑन न्यूट्रलिटी एंड जस्टिस। अब प्रॉफिट पीस ऑन को सबसे पहले हर बात रिपोर्ट होनी चाहिए। जब प्रॉफिट को रिपोर्ट होगी तो प्रॉफिट फैसला सुनाएगी न्यूट्रलिटी और जस्टिस के साथ। प्रॉफिट ने इंश्योर किया अगर किसी केस में मुसलमान गिल्टी पाए, मुसलमान जो है विक्टिम पाया गया और ज्यू गिल्टी पाया गया, तो सजा जो है वो यहूदी दी जाएगी। अगर किसी यहूदी ने मुसलमान का कत्ल किया तो यहूदी को सजा दे दी जाएगी। लेकिन अगर प्रॉफिट ने ये भी इंश्योर किया अगर किसी मुसलमान ने यहूदी का कत्ल कर दिया ना हक, अगर मुसलमान गिल्टी हुआ तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो मुसलमान है, वो मेजोरिटी है जी नहीं, इस सूरत में मुसलमान को सजा दी जाएगी
और इस बात को हर बंदा तस्लीम करता था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, he is a man of justice, जो भी गिल्टी होगा सजा उसको मिलेगी, प्रॉफिट पे रंग नस्ल का और रिश्तेदार और अजीज और खारत का फर्क नहीं करेंगे। तो जे का मतलब है जस्टिस। जब भी माइनॉरिटीज किसी भी इलाके में रहती है, उनको यही लगता है कि हमें डिस्क्रिमिनेटिव ट्रीटमेंट मिलेगा, और हम जब भी कोशिश करेंगे तो हम माइनॉरिटीज में, तो हमें शायद कभी इंसाफ ना मिले। प्रॉफिट पीयर ने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टैंडिंग की, प्रॉफिट ने इनको इक्वालिटी भी दी, इनके साथ सोशलाइजेशन भी की, इनको बराबरी के ताल्लुक के साथ इनको जस्टिस इंश्योर किया। तो तीन पॉइंट हमारे पास हो गए। ई एम जे का मतलब है इक्वालिटी, मिंगलिंग एंड मैरिजेस एंड जस्टिस। Equality, mingling and marriages and justice. जल्दी से टाइप कॉपी पेस्ट करके जस्टिस एड करके भेज दो। Equality, mingling and marriages and justice. Equality, mingling and marriages and justice. इसके बाद लिखो religious में C. Religious में लिखो C. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the followers when they're living in the city of Makkah. They were not given the freedom of choice. मुसलमानों ने जब इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों को मजबूर किया जाता था। They were tortured brutally and they were forced and they were compelled to leave Islam and they were forced to renounce faith and become polytheist again. तो प्रॉफिट जब मक्का में खुद थे 13 साल, आपने देखा कि मक्का में मुसलमानों के पास क्या नहीं था, फ्रीडम ऑफ चॉइस। मुसलमानों को कंपेल किया जाता था, मजबूर करते थे कि वो इस्लाम को छोड़ के polytheist बन जाए। अब प्रॉफिट एक स्टेट के हेड बने हैं और प्रॉफिट देखते हैं कि बहुत सारे लोग मुसलमान हैं, बहुत सारे लोग किसी और रिलीजन के हैं, लेकिन नबी इस्लाम, इस्लाम की जो टीचिंग सामने लेकर आएंगे वो ये, उसको हम बोलते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 256, जिसमें अल्लाह पाक कहते हैं ला इकराहु फिद्दीन। पहले ये ट्रांसलेशन याद करके मुझे भेजना, उसके बाद पढ़ लिखो, पहले 256 लिखो, उसी के आगे लिखो 256 और फिर याद करो। ये प्रॉफिट पीस ऑन ने एक रिलीजियस आइडियोलॉजी, वहां पर एक आइडियोलॉजी एस्टैब्लिश की, वो ये, लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन, let there be no compulsion in religion, let there be no compulsion in religion. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो भी लोग रहते थे, भले वो माइनॉरिटी थे या मेजोरिटी, भले वो मुस्लिम थे या नॉन मुस्लिम, उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया प्रॉफिट ने। If you would like to become a believer, you are warmly welcome in the circle of Islam. If you want to remain a Jew, be it. If you want to remain a polytheist or a Christian or a Magian, be it. हम आप पे जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। इसको मैं यूजुअली फ्रेज में जब बोलता हूँ तो इसको मैं बोलता हूँ फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेकिन इसके लिए हम जब लाइन याद करेंगे वो कहलाएगा नो कंपल्शन इन रिलीजन। तो हमने अभी तक चार अल्फाबेट्स याद किए, इक्वालिटी, मिंगलिंग एंड मैरिजेस, जस्टिस, नो कंपल्शन इन रिलीजन। इक्वालिटी, मिंगलिंग एंड मैरिजेस, जस्टिस, नो कंपल्शन इन रिलीजन। आपके पास कॉपी पेस्ट हुआ और रखा होना चाहिए ताकि आप मुझे पूरा पूरा भेजें, पूरा पूरा बार बार टाइप नहीं कर सकते। Equality, mingling and marriages, justice, आपको copy paste होना चाहिए। Equality, mingling and marriages, justice, no compulsion in religion. Equality, mingling and marriages, justice, no compulsion in religion. Equality, mingling and marriages, justice, no compulsion in religion. उसपे हमने आयत याद कर ली है, ला इकराहु फिद्दीन, सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी के फौरन बाद वाली आयत है, let there be no compulsion in religion. तो हमारे पास ई एम जी और सी के अलावा रिलीजियस साइड में जो दूसरा राइट प्रॉफिट पीस ने इनको दिया वो था आर एफ। लिखो आर एफ। अच्छा कॉपी पेस्ट करते रहना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तुम्हारे पास जितना मुझे याद हो गया उतना कॉपी पेस्ट हुआ रखा हो ताकि तुम एक पॉइंट ऐड करके फौरन से मुझे पूरी लिस्ट भेजो, एंड तक हमारी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा बेटा मैं आर एफ का मतलब पहले आपको इसकी मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा, फिर आप मुझे मैं बोलूंगा तभी तब मुझे आप कॉपी पेस्ट करके भेजिएगा। आर एफ का मतलब है रिलीजियस फ्रीडम। व्हेन वी आर लिविंग द सिटी ऑफ मक्का, इफ यू रिमेंबर, प्रॉफिट वाज वर्शिपिंग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ काबा एंड अबू जहल केम फ्रॉम द रियर साइड, ही थ्रू फिल्थ ऑन प्रॉफिट्स बैक, या बिहाइंड द प्रॉफिट्स बैक। फिर उतबा बिन रबिया अटेम्प्टेड टू स्ट्रैंगल प्रॉफिट, फिर उस दिन अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़े उनको भी टॉर्चर किया, अब्दुल्ला बिन मसूद को पीटा। तो पता चला जब मुसलमान मक्का में थे उनके पास क्या नहीं था, फ्रीडम ऑफ वर्शिपिंग, और अगर मुसलमान इबादत करते थे उनको पीटा जाता था। तो मुसलमानों के पास वहां पर एक तो फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं था, दूसरा मुसलमानों के पास फ्रीडम ऑफ वर्शिपिंग नहीं था। प्रॉफिट जब मदीना आते हैं प्रॉफिट ने सबको फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया, जो मजहब आपको समझ में आता है आप वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट को फ्रीडम ऑफ वर्शिपिंग भी देंगे। अब अगर कोई ज्यू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पॉलिटिस्ट है, तो प्रॉफिट ने उनको इंश्योर किया यू कैन डू योर वर्शिपिंग फ्रीली, हम आपको इम्पोज नहीं करेंगे, प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, उसमें कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे। You can, you know, use your slogans, you can use your crosses.
क्रिश्चियंस हैं तो अपने क्रॉस को यूज कर सकते हैं, अगर जो है वो ज्यूज हैं तो अपने साइंस को यूज कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस हैं तो वो भी अपने सिंबल्स यूज कर सकते हैं। और यहां तक कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रैलीज निकालने की इजाजत दी, और रैलीज निकालने का मतलब ये कि अगर कोई रैली निकल रही है ज्यू की तो मुसलमान उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, और मुसलमानों की रैली निकलेगी तो ज्यूज भी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ ये है कि जरूरी नहीं कि हम उसमें सोशलाइज हों, वो उनका रिलीजियस गैदरिंग है हम नहीं जा रहे, वो उनकी रैली है हम नहीं जा रहे, हमारी रैलीज में हमारी गैदरिंग वो नहीं आ रहे तो ओके की रिपोर्ट है। सो प्रॉफिट ने उनको पूरी मजहबी इजाजत दी कि दे कैन प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली, अगर उनका रिलीजन इस्लाम से है, मदीना का रिलीजन तो इस्लाम था, लेकिन अगर कोई और रिलीजन प्रैक्टिस हो रहा है तो प्रॉफिट उसमें कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आरएफ का मतलब होगा रिलीजियस फ्रीडम, और रिलीजियस फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम ऑफ वर्शिपिंग, इसमें कोई हर्डल क्रिएट नहीं होगा। बस ये बात याद रहे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को साथ में इंट्रोड्यूस किया कि यस दे कैन यू नो यूज देयर क्रॉसेस, दे कैन यू नो दे कैन कीप देयर वर्शिपिंग साइट्स पीसफुली, एंड दे कैन यू नो गो आउट एंड दे कैन यू नो टेक आउट द रैलीज पीसफुली। बस इस पूरी सूरतहाल में एक मामले का ख्याल रखना है, वो ये किसी भी लेवल में मदीना का पीस वॉयलेट नहीं होना चाहिए। आपकी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी किसी और रिलीजन को ऑफेंड अगर करेगी तो दूसरे लोगों में और आप में झगड़ा होगा, तो मदीना का पीस वॉयलेट होगा। याद रहे चार्टर ऑफ मदीना का मेन ऑब्जेक्टिव पीस है, और पीस जरूरी था ताकि मदीना की इस्लामिक स्टेट बन सके। तो आपकी कोई भी गैदरिंग है, आपकी कोई भी रैली और रिलीजियस प्रैक्टिस है, इट शुड नॉट ऑफेंड द ग्रुप द अदर द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन, इसकी कोई इजाजत नहीं होगी, फिर पीस की और चार्टर दोनों की वॉयलेशन होगी। तो मैं सी को फ्रीडम ऑफ चॉइस बोलता हूँ, मैं जो है आरएफ को फ्रीडम ऑफ वर्शिपिंग बोलता हूँ, लेकिन फुल फॉर्म क्या है, रिलीजियस फ्रीडम। अब मैं आपको पीछे से सुनाता हूँ, फिर आप टाइप करके मुझे बाद में भेजिएगा। इक्वालिटी मिंगलिंग एंड मैरिजेस एंड जस्टिस, नो कंपल्शन इन रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम। इक्वालिटी मिंगलिंग एंड मैरिजेस एंड जस्टिस, नो कंपल्शन इन रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम। देखो जब जब टाइप करो तो पीछे से पढ़ते भी रहना, वरना फिर सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ जुड़ नहीं पाएगी, भूल जाओगे। Equality, mingling and marriages, justice, no compulsion in religion, religious freedom की बात आपने लिखना है D. Religious freedom की बात देखें, D का मतलब होगा no demolishing of their worshipping sites. The temples of the polytheists are going to be safe, the churches of the Christians will be safe. और Jews की जो इबादतगाह होती है उसको chapel भी बोलते हैं, लेकिन इनकी इबादतगाह का जो popular नाम है वो है synagogues. तो सिनेगॉग्स जो होंगे ज्यूस के वो भी सेफ रहेंगे। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जैसे मस्जिद महफूज है वैसे ही मंदिर महफूज है, वैसे ही चर्च महफूज है वैसे ही सिनेगॉग महफूज है। तो डी का मतलब है नो डिमोलिशिंग ऑफ देयर वर्शिपिंग साइट्स, नो डिमोलिशिंग ऑफ देयर वर्शिपिंग साइट्स। तो ये प्रॉफिट ने उनको रिलीजियस राइट दिया कि आप कोई भी मजहब चुन चुने, कोई भी प्रैक्टिस करें, आपकी कोई भी इबादतगाह होगी, ना उसमें आपको कोई चीज पे पाबंदी होगी, ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचेगा, ना ही उसको जो है वो किसी तरह से जो है वो उसको अपने उस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वालिटी मिंगलिंग एंड मैरिजेस जस्टिस, नो कंपल्शन इन रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम, नो डिमोलिशिंग ऑफ देयर वर्शिपिंग साइट्स। इक्वालिटी मिंगलिंग एंड मैरिजेस जस्टिस, नो कंपल्शन इन रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम, नो डिमोलिशिंग ऑफ देयर वर्शिपिंग साइट्स, नो डिमोलिशिंग ऑफ देयर वर्शिपिंग साइट्स। ये मैं इतनी मेहनत इसी कर रहा हूँ क्योंकि चार्टर ऑफ मदीना आपसे बुक से या नोट से याद नहीं होगा, आप चार्टर यही माना लिख पाएंगे। मैं आपको 9 से 15 पॉइंट्स यहाँ पर 9 पॉइंट्स और इसी के राइट्स के दे रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, तो यही याद हो पाएगा। नो कंपल्शन इन रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम, नो डिमोलिशिंग ऑफ द वर्शिपिंग साइट्स की बात लिखो, फाइनेंशियल में लिखो सीओ, सीओ फाइनेंशियल में आएगा सीओ। CO का मतलब है नो कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अब एक बात ये भी तो हो सकती थी, ज्यूज इस बात के खतरे में है कि जी मेजोरिटी का एक ग्रुप आया, प्रॉपर्टी की लीडरशिप है, तो ऐसा ना हो कि हमारी दुकानों पे, हमारे मकानों पे और हमारी इबादतगाहों पे कब्जा हो जाए। सो कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टीज में देयर शॉप्स वर इंक्लूडेड, देयर होम्स वर इंक्लूडेड, देयर एग्रीकल्चर लैंड्स वर इंक्लूडेड, एंड ऑब्वियसली देयर जो वर्शिपिंग साइट्स लाइक सिनेगॉग्स वर इंक्लूडेड। तो सिनेगॉग्स को तो हमने क्लियर कर दिया कि देयर वर्शिपिंग साइट्स आर नॉट गोना बी कॉन्फिस्केटेड, लेकिन साथ ही साथ प्रॉफिट ने इनको इस बात की श्योरिटी दी कि मुसलमान मेजॉरिटी में हो, पावर में हो, मुसलमान ज्यादा हो, सब बातों की बात एक बात क्लियर है, आपकी दुकान आपकी, हमारी दुकान हमारी, भले हमारे पास दुकान ही ना हो। क्योंकि तो आपने देखा है मदीना एक पुअर स्टेट थी और बहुत सारे मुहाजिरों को बिल्कुल ही शेल्टरलेस या बिजनेसलेस थे। दूसरा ये कि आपकी दुकान आपकी, हमारी दुकान हमारी, भले हमारे पास दुकान ना हो।
आपका मकान आपका, हमारा मकान हमारा, भरे हमारे मकान ना हो, जबकि मौजीद के पास मकान नहीं था शेल्टर के लिए, उन्होंने हाउसेस उनके साथ अंसाज ने शेयर किए। आपकी जमीन आपकी, हमारी जमीन हमारी, मेजोरिटी मुहाजिरों के पास तो जमीनें ही नहीं थी, उन्होंने तो जो है वो एज अ जो है वो ऑन वेजेस जो है एज अ लेबर काम किया था अपने अंसाज भाइयों के जो है वो गार्डन्स में। सो द पॉइंट इज प्रॉफिट पी जो ने देखा कि एक पुअर स्टेट है, प्रॉफिट ने पुअर स्टेट चला ली, लैक ऑफ फंड्स इज अ स्टेट रन करने का इरादा किया, लेकिन प्रॉफिट ने इस बात का फैसला किया किसी मामले में इनजस्टिस नहीं होगा, किसी मामले में टिरनी या ऑपरेशन के मामला प्रॉफिट जैसे अमेजिंग लीडर की तरफ से नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज उनकी है वो उनकी है, हम उस पर ना कब्जा कर सकते हैं ना हम उस पर अनजस्टफुली अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। सो सी ओ का मतलब है नो कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, नो कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, equality, mingling and marriages, justice, no compulsion in religion, religious freedom, no demolishing of their worshipping sites, no confiscation of their properties. देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ नहीं पढ़ोगे आप भूल जाओगे। सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ पर अटकता है? यहाँ से EMJ और RF तक सब बच्चे बहुत पक्का सुनाते हैं, फंसते कहाँ पर हैं? No demolishing of their worshipping sites, no confiscation of their properties. So please make sure कि ये आखिरी के चार पॉइंट्स आपसे मिक्स ना हो, क्योंकि मैं जब भी चार्टर बच्चों से सुनता हूं तो मुझे वो आखिरी के चार पॉइंट्स नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे होते, उनको याद ही नहीं होते। नो डिमोलिशिंग ऑफ देयर वर्शिपिंग साइट्स, नो कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज के बाद लिखो टी, सी ओ के बाद लिखो टी। टी जी हाँ, मदीना एक स्टेट बनने लगी है, तो स्टेट को रन करने के लिए फंड्स वर नीडेड, फंड्स वर रिक्वायर्ड, एंड फंड्स के लिए प्रॉफिट ने टैक्सेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए। मुसलमान टैक्स पे करता था, जी हाँ, उसका नाम था जकात। जकात मुसलमान कितनी परसेंट देगा? 2.5% देगा। क्या मुसलमान को जकात में एग्जेम्पशन मिलेगी? कभी नहीं। क्या मुसलमान को जकात में कंसेशन मिलेगी? कभी नहीं। कोई एक मुसलमान ऐसा नहीं था जिसको इजाजत हो कि वो 2.5% जकात दे दे, ना कंसेशन है और ना ही उनको जो है रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन when it came to the non-Muslims minorities in the city of Medina, so the tax was also imposed on them. मुसलमान अगर ज़कात टैक्स देते थे तो non-Muslim के ऊपर जो टैक्स लगा उस टैक्स का नाम था जिजिया। अब जिजिया टैक्स के बारे में एक बात समझना, क्या जिजिया में टैक्स में non-Muslims को कंसेशंस मिलते थे? जी हाँ, 5% अगर वो टैक्स था तो इसमें कंसेशन भी मिल सकता है, और कंसेशन कब मिलेगा? इफ दे आर सर्विंग मदीना इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर, और इफ एनी ऑफ देयर मेंबर्स सर्विंग मदीना इन द आर्मी ऑफ मुस्लिम्स टू डिफेंड मदीना। सो अगर वो पॉलिटिक्स में या कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन में या एज एन आर्मी सर्व कर रहे हैं तो उनको कंसेशन भी मिल सकते हैं, और अगर कोई बहुत ज्यादा गरीब है जो टैक्स पे नहीं कर सकता उसको एग्जेम्पशन भी मिल जाएगी। सो द पॉइंट इज कि इस्लाम ने अपनों पर सख्ती की, दूसरों पर और नरमी की। ऐसा क्यों हो रहा है? मुसलमानों को कंसेशन नहीं मिले, मुसलमानों को एग्जेम्पशन नहीं मिली, इनको क्यों? इनको मुतासिर करना है, इनको दिखाना है कि इस्लाम इज अ स्वीट रिलीजन एंड इस्लाम इज अ रिलीजन फॉर ऑल, इट्स अ रिलीजन ऑफ पीस। और जब तक ये अपने मजहब हमारे मजहब से मुतासिर नहीं होंगे तो हमारे मजहब की अच्छाइयां इनको नहीं दिखेंगी, तो कबूल कैसे करेंगे? तो नॉन मुस्लिम के साथ इस्लाम और ज्यादा सॉफ्ट था, क्योंकि आप अपने अखलाकियात से ही नॉन मुस्लिम को अपने मजहब की तरफ कायल कर सकते हैं। इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती, ऊपर आपने पढ़ा है लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन, लेकिन फिर भी हमारी ख्वाहिश होगी ना हमारे मुसलमान भाई बन जाए, उसके लिए वी आर गोइंग टू बी वेरी हम्बल, वेरी सॉफ्ट, वेरी जेनरस एंड वेरी काइंड हार्टेड विद देम। उसमें टैक्सेस के मामले में इनको कंसेशन भी मिलेंगे, एग्जेम्पशन भी, उसके उस तरीके का स्टैब्लिश है जैसे कि दे आर सर्विंग अस इन एनी वे इन एडमिनिस्ट्रेशन और इन आवर आर्मी। सो द पॉइंट इज टी का मतलब होगा नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस। टैक्सेस से अब प्रॉफिट ये कह सकते थे ना, देखो तुम लोग तो गोल्ड स्मिथ्स हो, तुम पे टैक्स कितना परसेंट ज्यादा लगेगा, तुम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल लैंड्स के जो ओनर्स हो तो तुम पे और टैक्स लगेगा, क्योंकि आप तो अमीर है, आप टैक्स ज्यादा दें, वो गरीब है टैक्स। जी नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सिंपल सा कायदा रखा, वो ये कि कौन अमीर है कौन गरीब, वो मुसलमान है नॉन मुस्लिम सब पे बराबरी होगी। बराबरी ये कि इन पे टैक्सेस होंगे तो मुसलमान भी टैक्सेस से, पर इन पे एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं होंगे, लेकिन इनका जेनरोसिटी ये है कि इनको टैक्सेस में एग्जेम्पशन और कंसेशन भी मिल सकता है। तो मैं टी का मतलब टैक्सेस नहीं याद करूंगा, टी का मतलब याद करूंगा नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस, या नो एक्स्ट्रा टैक्सेस भी याद कर सकते हैं। तो पीछे से आते हैं, इक्वालिटी, मिंगलिंग एंड मैरिजेस एंड जस्टिस, no compulsion in religion, religious freedom, no demolishing of their worshipping sites, no confiscation of their properties, no extra taxes, equality, mingling and marriages, justice, no compulsion in religion, religious freedom, no demolishing of their worshipping sites,
no confiscation of their properties, no extraordinary taxes या no extra taxes की बात लिखो FL. आखिरी पॉइंट आ गया आपके पास इस वाले इस पोर्शन का. FL का मतलब होगा फाइनेंशियल लिबर्टी. फाइनेंशियल लिबर्टी से मतलब ये कि those things which are prohibited in Islam, those things which are forbidden in Islam, like the meat of जो है वो pig, जिसको आप pork बोलते हैं, या फिर आप वाइन की बात करें, या फिर आप जो है इंटरेस्ट की बात करें. सूद हराम हो गया, इस्लाम में सूद हराम है, लेकिन अगर आपका मजहब सूद आपको अलाउ करता है तो आप जो है वो इंटरेस्ट में लेन देन कर सकते हैं. इस्लाम आप पे कोई लॉ इम्पोज नहीं करेगा कि आपका रिलीजियस राइट है या आपका फाइनेंशियल राइट है. तो वो चीज जो इस्लाम में हराम है पर उनके मजहब में हलाल है, इजाजत है. दे वांटेड टू ईट पोर्क, दैट वाज अलाउड फॉर देम. दे वांटेड टू कंज्यूम वाइन, दैट वाज अलाउड फॉर देम. They wanted to do the dealings based on interest, that was allowed for them. लेकिन मुसलमान वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान अपनी किताब को follow अगर करेगा तो वो मुस्लिम का राइट है. तो आपका भी अपना राइट है, अगर आपका रिलीजन किसी बात की परमिशन दे क्योंकि इस्लाम में डिसअलाउड है, आप उसको फॉलो इसी कर सकते हैं, बिकॉज दैट वॉज देयर रिलीजियस राइट एंड दैट वॉज इवेंचुअली अगर वो फाइनेंशियल रिलेटेड है, इट वॉज देयर फाइनेंशियल राइट एज वेल. तो एफ एल का मतलब है फाइनेंशियल लिबर्टी. एफ एल का मतलब हुआ फाइनेंशियल लिबर्टी. अब हम एक काम करते हैं, इस चीज को अल्लाह आपको खुश रखे, ऐसे याद कर लेते हैं पूरा का पूरा. अब आप टाइपिंग करना बंद कर दो और आप मेरे साथ इसको याद करने की कोशिश करो. मुझे ये जानना है कि आप बोल पा रहे हैं कि नहीं. मैं माइक्स ऑन नहीं कर सकता, वेरी सॉरी, लेकिन आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा. मैं पढ़ रहा हूं तो आपने देखना आप अटक कर रहे हैं. तो हमारे पास ये जो एब्रीविएशंस मौजूद हैं इनकी फुल फॉर्म ऑफ टाइपिंग हो चुकी है, कॉपी पेस्ट बहुत हो गया, उसको छोड़ दो, देखो याद हुआ कि नहीं हुआ. इक्वालिटी, मिंगलिंग एंड मैरिजेस एंड जस्टिस, no compulsion in religion, religious freedom, no demolishing of their worshipping sites, no confiscation of their properties, no extraordinary taxes, financial liberty, equality, mingling and marriages, justice, no compulsion in religion, religious freedom, no demolishing of their worshipping sites, no confiscation of their properties, no extraordinary taxes, financial liberty. फाइनेंशियल लिबर्टी. आखिरी बार पढ़ लेते हैं इसको एक साथ, आप मेरे साथ पढ़ते रहे, टाइप मत कीजिएगा. इक्वालिटी, मिंगलिंग एंड मैरिजेस, जस्टिस, नो कंपल्शन रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम, नो डिमोलिशिंग ऑफ देयर वर्शिपिंग साइट्स, नो कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्सेस, फाइनेंशियल लिबर्टी. मुसलमान एक बेवकूफ कौम नहीं है, अगर मुसलमान राइट डिलीवर करेंगे तो मुसलमान रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देंगे. इससे पहले कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे जाएं, मेरा बच्चा आपको छोटा सा एक काम करना है, वो ये आप लोग अपनी वर्कबुक के एंड में चले जाएं, पेज नंबर 61, वर्कबुक के एंड में जाएं, पेज नंबर 61, पेज 61. मैं ऐसे क्यों दिखा रहा हूं, मैं यहाँ पर वर्कबुक ही दिखा दू. थोड़ा सा दिमाग पढ़ाते पढ़ाते खराब हो गया. अरे पेज 61 में तो स्पेस ही नहीं है. एक्स्ट्रा शीट्स पे आ जाओ, एक्स्ट्रा शीट्स पे, पेज 54 पे आओ, पेज 54 पे आओ. नहीं नहीं छोड़ो, एक्स्ट्रा शीट्स यूज करते हैं. पेज नंबर 54, बच्चा पेज 54 पे हेडिंग दो, चार्टर ऑफ मदीना. जल्दी जल्दी बेटा, मुझे आगे चार्टर खत्म करवाना है आज. चार्टर ऑफ मदीना की हेडिंग दो. ऐसे चार्टर ऑफ मदीना की हेडिंग आएगी, उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सोशल, सोशल राइट्स. देखो ई का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है और जे का मतलब क्या है, ये आपके पास आ गए. सोशल राइट्स, इक्वालिटी, मिंगलिंग एंड मैरिज एंड जस्टिस. इसके आगे लिख दो, इसके अगली लाइन में नहीं, आगे लिख देते हैं, जगह बच जाएगी. सोशल राइट्स की बात लिखें, रिलीजियस, रिलीजियस में आपको लिखना होगा भैया सी का मतलब क्या है, नो कंपल्शन रिलीजन, आर एफ का मतलब क्या है और डी का मतलब क्या है. उसके बाद सामने कोशिश करके फंसा फंसा के लिख दो फाइनेंशियल. फाइनेंशियल में आप लिखेंगे सीओ का मतलब, टी का मतलब
और एफ एल का मतलब चले जी यही लिखने हैं एक्स्ट्रा शीट्स में इस तरह से। मैं भी कर लेता हूं आपके साथ काम, मैं तो बोर होता रहूंगा, आप लोग को देखता रहूंगा। ये लिखवाने का मकसद ये कि आपको याद हो, और ये आप बगैर कहीं देखे लिखेंगे और आप ये चेक करेंगे आपको क्या याद नहीं हुआ। ई का मतलब था सर इक्वालिटी, एम का मतलब है मिंगलिंग एंड मैरिजेस, जे का मतलब था जस्टिस, सी का मतलब था नो कंपल्जन इन रिलीजन, जगह कम पड़ रही है, आर एफ का मतलब है रिलीजियस फ्रीडम, नो डिमोलिशिंग ऑफ वर्शिपिंग साइट्स, सीओ का मतलब है नो कॉन्फिस्केशन, नो एक्स्ट्रा टैक्सेस, और एफ एल का मतलब हुआ फाइनेंशियल लिबर्टी। ये हमें राइट्स याद हो गए चार्टर ऑफ मदीना के। टी का मतलब है नो एक्स्ट्रा टैक्सेस, बेटा मैंने ये लिस्ट बना दी आपके सामने। मदरसर अली पी ज्यादा बहुत खुशी से लिख रहे हैं याद हो गया, ये तो याद ही तो करवा था मेरे भाई, याद करने के लिए तो बार याद करने की फिलोसफी ये कि यू नीड टू तकरार, तकरार होती है व्हेनेवर यू मेमोराइज समथिंग यू नीड टू जस्ट कीप रिवाइजिंग दैट, तब तक रिवाइज करता रहा मेरा भाई जब तक याद ना हो जाए। तो हमने क्या किया है दिमाग की दही बनाई यहाँ पर, हम बार बार एक चीज पढ़ रहे हैं फिर रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं फिर रिपीट कर रहे हैं और याद हो गया। अब अल्लाह करे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी याद हो जाए, अगर वो याद हो गई तो इसका मतलब आप चार्टर ऑफ मदीना के हर पास लेवल को सॉल्व कर पाएंगे। अब्दुल्ला खुर्रम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब्दुल्ला खुर्रम कोचिंग सेंटर आ गए, अल्लाह माफ करे, अब्दुल्ला तो स्कूल वेरिटास के हैं। चले जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इस चीज को भी समझाया कि वो ये कि हम मुसलमान एक बेवकूफ कौम नहीं है, इफ वी आर गिविंग राइट्स टू अ कम्युनिटी सो वी आर आल्सो गोइंग टू गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप भूल तो नहीं गए ना, चार्टर ऑफ मदीना का मेन रीजन है मदीना में पीस को मेंटेन करना। मदीना में पीस जब तक मेंटेन नहीं होगा तो मदीना में लीडरशिप एक नहीं होगी, और मदीना में पीस और लीडरशिप एक रखने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुस्लिम्स वांटेड टू मेक मदीना अ सेपरेट एंड अ सक्सेसफुल इस्लामिक स्टेट, जिसके लिए पीस का होना बहुत जरूरी है। एनीवेज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं। नंबर वन, अच्छा एक बात समझना, आप अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रीच करेगा वो वायलेशन ऑफ चार्टर होगी। अगर किसी ने चार्टर ऑफ मदीना वायलेट की, अगर किसी ने चार्टर ऑफ मदीना वायलेट की तो वो बिट्रेयल कहलाएगा, और जब भी कोई बिट्रेयल या ट्रेजरी वाले जो है वो मामला में गिल्टी पाया जाएगा तो उसको सजाएं दी जाएंगी, कभी एक्साइल होगा, कभी उसे पेनल्टी चार्ज हो सकती है, और कभी उसको जो है वो एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है, जैसे कई लोग एग्जीक्यूट होंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको जो ड्यूटीज दी वो ये, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस दे विल नॉट वायलेट द पीस ऑफ मदीना, मदीना का पीस कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। ये हो गई पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मदीना का पीस अगर किसी ने वॉयलेट किया सो दैट वॉयलेशन वुड बी द ब्रीच इन चार्टर ऑफ मदीना, और चार्टर ऑफ मदीना के ब्रीच को धोखा और उस पर सजा दी जाएगी। मदीना क्योंकि सब लोग का है तो मदीना वुड बी डिफेंडेड बाय एवरीवन। अगर मदीना पे कोई पॉलिटिकल अटैक होता है किसी भी स्टेट से सो मदीना मुस्लिम और मेजोरिटी और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज का भी है तो सब लोग मिलकर मदीना को डिफेंड करेंगे। अगर किसी ने मदीना को डिफेंड नहीं किया तो ये वॉयलेशन ऑफ चार्टर, इस पर सजा होगी। अगर किसी ने मदीना को डिफेंड करने की बजाय मदीना के दुश्मनों का साथ दिया जैसे बनु कुरैज़ा फ्यूचर में करेंगे, ये भी वॉयलेशन और ये ट्रेजरी होगी और इस पे भी सख्त सख्त सजा दी जाएगी। एवरीबॉडी मस्ट एक्सेप्ट हजरत मोहम्मद इज अ कॉमन चीफ ऑफ मदीना। याद रहे मदीना का जो भी राइट या कोई प्रॉब्लम होगा इट वुड बी रिपोर्टेड टू प्रॉफिट एंड ओनली प्रॉफिट हैज द पावर टू लिसन टू दैट एंड टू डिक्लेयर अ जजमेंट ऑन दैट। कोई और जजमेंट नहीं दे सकता। मदीना के कॉमन चीफ भी प्रॉफिट है, मदीना के कॉमन जज भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट सिर्फ एक लीडर नहीं है, प्रॉफिट पीस जमा मिलिट्री लीडर नहीं है, साथ ही में प्रॉफिट पीस चीफ जस्टिस भी है मदीना के। कोई भी शख्स मदीना में फैसला नहीं कर सकता सिवाय नबी इस्लाम के। तो ये तीन बातों के बाद जो आखिरी बात है वो बात थोड़ी सी लंबी है लेकिन वो आपको मैं समझा के फिर क्लास खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये है शेयरिंग ब्लड मनी।
प्लीज याद कर लेना इसको, क्योंकि पेपर टू में हजरत अली की कैलिफेट तक ये वाली बात बार बार उठेगी। मिसाल के तौर पे इस्लाम में अगर कोई किसी का कत्ल कर दे, अगर कोई किसी का कत्ल कर दे तो जिसने कत्ल किया है वो मर्डरर है और जिसका कत्ल हुआ है वो विक्टिम है। तो मर्डर जो है वो विक्टिम फैमिली की तरफ, विक्टिम फैमिली को मर्डर से क्या मिल सकता है वो बात समझना। इस्लाम में हाथ के बदले हाथ है, दांत के बदले दांत है, और इस तरह से इस्लाम में खून का बदला खून है। तो अगर किसी शख्स ने किसी का कत्ल किया, अब आप लोग जिस पेज पे थे उस पेज पे वापस आ जाए, आप लोग जिस पेज पे थे उस पेज पे वापस आए, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन लिखवानी है। पेज नंबर 5 पे वापस आए प्लीज जल्दी से। बेटा पेज नंबर 5 पे वापस आ जाए। इस्लाम में जब कोई कोई कातिल सामने आएगा तो कातिल को सजाएं दो तरह से दी जा सकती है। एक सजा है खून का बदला खून, एक सजा है खून का बदला खून। खून का बदला खून जो होता है उसको बोलते हैं किसास। तो पेज के टॉप पे लिखो किसास का मतलब हुआ ब्लड फॉर ब्लड। तो दांत के बदले दांत है, हाथ के बदले हाथ है, और इस्लाम में खून का बदला खून है। तो लेट्स से कि एक काजी के पास केस आया, एक मर्डर है और एक विक्टिम फैमिली है जिनका कोई प्यारा मार दिया इस मर्डर ने। तो इस्लाम ने जब देखा उसके गवाह सबूत सारे मिल गए तो अब काजी सजा सुनाएगा। खून का बदला खून है, इस शख्स ने कत्ल किया तो विक्टिम फैमिली के लिए इंसाफ ये है कि इस मर्डर को भी मार दिया जाएगा। इस चीज को बोलते हैं किसास। अगर आप हजरत अली की कैलिफेट पढ़ेंगे उसमें आएगा, हजरत अली के पास लोग जाएंगे बोलेंगे हमें उस्मान का किसास दो। उस्मान का किसास का मतलब ये कि उस्मान के खून का बदला हमें खून से दो, उसको बोलते हैं ब्लड फॉर ब्लड। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मर्डर विक्टिम फैमिली में और मर्डरर में सेटलमेंट होती है और उस सेटलमेंट को हम लोग कहते हैं दियत। तो लिखो दियत इक्वल्स टू, दियत इक्वल्स टू ब्लड मनी फॉर ब्लड। ब्लड मनी फॉर ब्लड ये पेज के टॉप पे लिखना है आपने, पेज के जिस पेज पे आप काम करते जीव्स का उसके टॉप पे लिख लें, ताकि फिर आप जब भी इस पेज पे आए तो रेफरेंस के तौर पे आपको दो चीजें मिल जाएं। तो एक चीज होता है खून का बदला खून और एक चीज होता है खून का बदला ब्लड मनी, और इसको बोलते हैं दियत। अब आप मुझे छोटा सा एक अंदाजा बताएं, व्हाट डू यू थिंक ब्लड मनी, अगर कोई विक्टिम फैमिली को मर्डरर ब्लड मनी देगा, ये अमाउंट बहुत छोटी होनी चाहिए या बहुत ज्यादा? जैसे कि मर्डरर ने इनके बेटे का कत्ल कर दिया है तो अब ये ब्लड फैमिली विक्टिम फैमिली को जो पैसे देगा तो अमाउंट कैसे चाहिए, ज्यादा या बहुत ज्यादा? मुझसे पूछें तो अमाउंट चाहिए बहुत 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 ज्यादा। और वो बहुत 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 ज्यादा अमाउंट कोई खुद नहीं तय कर सकता, वो अमाउंट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉफिट के दादा अबू का नाम था हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब मैं आपको ब्लड मनी की अमाउंट बताता हूँ। ब्लड मनी की अमाउंट तय कैसे हुई इस्लाम में? इस्लाम ने बहुत सारी चीजें ना अरबियन कल्चर से इनहेरिट कर ली थी जो कि मोरालिटी वाली थी और जो कि चल सकती थी। तो ब्लड मनी जो अरबियन कल्चर में थी वही ब्लड मनी इस्लाम ने कैलकुलेट किया, और इस्लाम का भी रूल वही बना। वो ब्लड मनी आई कहां से? वो प्रॉफिट के दादा अबू से आई। प्रॉफिट के दादा अबू प्रॉफिट्स ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब, ही हैड बीन सर्चिंग फॉर जमजम। हुआ ये कि लोगों ने जब माइग्रेट किया था जमाने पहले मक्का से, तो उन्होंने जमजम के जो कुआं जो था उसको सील कर दिया था। पीपल न्यू दैट कि इब्राहिम ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल ने हील स्क्रैच की तो जमजम का चश्मा निकला, लेकिन मक्का से जमजम जो है वो खो चुका था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह पाक से एक मन्नत मांगी, अल्लाह पाक अगर आप मेरी जमजम का चश्मा ढूंढने में मदद कर दें तो मैं अपना सबसे अजीज बेटा आपकी राह में कुर्बान कर दूंगा। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे अजीज जो बेटे उनको जो बहुत ज्यादा लाडने लगते थे वो थे प्रॉफिट के अब्बू जान, नाम है हजरत अब्दुल्ला। अल्लाह पाक ने अब्दुल मुत्तलिब को कुछ ख्वाब में साइंस सिखाए, और वो साइंस सिखाने के बाद अल्लाह पाक ने अब्दुल मुत्तलिब की मदद की, यहाँ पर डिगिंग कीजिए, यहाँ पर डिगिंग कीजिए, उन साइंस को फॉलो करते हुए जो कि थ्रू ड्रीम्स अब्दुल मुत्तलिब को आए। इवेंचुअली अब्दुल मुत्तलिब वो लॉस्ट वेल ढूंढ सके और उसको रिकवर कर सके जो कि बहुत जमाने पहले लोगों ने सील कर दिया था बिफोर माइग्रेटिंग फ्रॉम मक्का टू एनी अदर प्लेस। तो ये जमजम का चश्मा जब मिल गया तो अब्दुल मुत्तलिब को बार बार फिर ख्वाब आते हैं, अब अपनी मन्नत पूरी कीजिए, हमने आपको जमजम का कुआं ढुलवा दिया, अब अपनी मन्नत पूरी करें। मन्नत क्या थी? अब्दुल्ला को जो है वो कुर्बान करना था। अब्दुल मुत्तलिब जो है अब यहाँ पर ही वॉज सो वरीड कि इफ आई एम गोइंग टू सेक्रीफाइस माई सन अब्दुल्ला, ये तो मेरा सबसे लाडला बच्चा है, और अगर मैं इसको सेक्रीफाइस नहीं करूँ तो गॉड्स रैथ एंड गॉड्स एंगर वुड बी और गॉड्स अज़ाब वुड बी कमिंग ऑन मी, करूँ तो करूँ क्या? So when he was so confused, when he was worried and he was in a dilemma, people suggested Abdul Muttalib, ki Abdul Muttalib aap ek kaam kijiye,
आप अपना बेटा अब्दुल्ला कुर्बान करने की बजाय ये कीजिए कि आप कीजिए कुर्रा अंदाजी, कुरान अंदाजी जिसको बोलते हैं, रुका अंदाजी जिसको बोलते हैं, वो ये है कि अब्दुल मुत्तलिब डू दिस थिंग कि आप बहुत सारे जो है वो पर्चियां डालें, मतलब जो रुकते डालें, और उसमें जो है वो हर पर्ची का मतलब होगा जी 10 camels और बहुत सारे पेपर। मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, तो आप उस वक्त तो पेपर अवेलेबल नहीं करेगी, मैं पेपर की फॉर्म में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक जो है वो बहुत सारी पर्चियां डाली जाएंगी, इसे कमेटी निकालते हैं ना लोग किसी की, वैसे बहुत सारी जो है वो लॉट्स पे लिखा हुआ होगा 10 camels और बहुत सारी लॉट्स पे लिखा होगा अब्दुल्ला। अगर तो आपके पास पर्ची निकल आए अब्दुल्ला 10 camels के नाम की, तो इसका मतलब अल्लाह की तरफ से इशारा है कि 10 ऊंट कुर्बान कर दो, अब्दुल्ला की जान बख्शी गई। लेकिन अगर अब्दुल्ला की पर्ची निकली तो इसका मतलब ये कि आप अब्दुल्ला को तो नहीं कुर्बान कर देंगे, तो फिर आप एक काम कीजिएगा, आप 20 camels की पर्चियां डाल के और अब्दुल्ला की पर्ची डाल के फिर जो है वो दोबारा कुर्रांदाजी कीजिएगा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा किया, 20 camels की पर्चियां और अब्दुल्ला की पर्चियां डाली, तो जब हाथ में पर्चा आया तो आया अब्दुल्ला चाहिए, 20 camels नहीं चाहिए। फिर 40 camels की पर्चियां और अब्दुल्ला की पर्चियां डाली, तो जो कुर्रा हाथ में आया वो था जी अब्दुल्ला का नाम निकला, ऊंट नहीं चाहिए। फिर 60 camels और अब्दुल्ला की पर्चियां डाली, और फिर जो कुर्रा हाथ में आया वो फिर अब्दुल्ला का नाम निकला कि अब्दुल्ला की जान चाहिए, मन्नत मांगिए ना अल्लाह को, ऊंट नहीं चाहिए। फिर 80 camels और अब्दुल्ला की पर्चियां डाली, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। 90 camels और अब्दुल्ला की पर्चियां डाली, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब तो अपना बेटा नहीं कुर्बान कर सकते ना, वो तो चाह ही रहे कि अल्लाह उनकी जान बख्श दे। फिर जब 100 red camels की पर्चियां डाली और अब्दुल्ला की जो पर्चियां डाली, इस बार जो कुर्रा जो रुका बार आया वो रुका था 100 red camels का। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बच्चे अब्दुल्ला की जान के सदके उनकी जान बख्शवाने के लिए 100 ऊंटों की कुर्बानी दी, तो उस दौर से अरबिया में एक जिंदगी कीमत बन गई 100 red camels जो कि अब्दुल मुत्तलिब ने कुर्रा अंदाजी की थी। तो अरबिया अरबियन कल्चर में एक जान की कीमत बनी 100 red camels, और 100 red camels जो है वो बन गई दियत की अमाउंट, एक जान एक एक एक, एक जिंदगी की कीमत है। जब इस्लाम आया तो इस्लाम में अल्लाह पाक ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्ट्रक्शन दी, वो ये कि अगर कोई दियत किसी को पे करे तो वो यही अमाउंट दे दे, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और अगर 100 red camels को किसी को पे कर देगा तो ये एक जान की कीमत है। तो कल को जब भी कोई केस आता है इस्लाम में, अगर विक्टिम फैमिली को खून का बदला खून चाहिए तो किसास दे दिया जाएगा, और अगर विक्टिम फैमिली को ब्लड मनी यानी दियत चाहिए तो फिर मर्डरर जो है विक्टिम फैमिली को देगा 100 red camels। मैंने आपसे एक दौर में कहा था कि मैं आपको यानी कि ब्लड मनी ब्लड के आगे लिखो दैट इज 100 red camels। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक दौर में और एक दिन में आपको साबित करके दिखाऊंगा कि 100 red camels की जो कीमत है वो है 100 crore के बराबर। अब मैं वो साबित करने लगा हूं ताकि आपको ये लगे कि सरफोरम को मस्ती मजाक नहीं कर रहे यहां पर। ये जो 100 red camels हैं, इसका मतलब क्या है इसको जरा समझना। 100 red camels का मतलब है, मैं नीचे आ रहा हूं, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 100 red camels को अगर मैं कन्वर्ट करूं दूसरी वर्डिंग्स में, ये मैंने मुफ्तियों से सुना हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैं कन्वर्ट करूं तो उस वक्त जो रेगिस्तानी जो इलाके थे उसमें सबसे महंगी सवारी ऊंट था, और ऊंट में सबसे महंगे थे वो रेड कैमल्स थे। तो 100 red camels को अगर मैं दूसरी वर्डिंग में कैलकुलेट करूं तो बनता है 100 multiplied by मोस्ट एक्सपेंसिव सवारी ऑफ डेजर्ट। जब भी कोई मर्डरर विक्टिम फैमिली को पैसे देगा तो वो क्या देगा, ब्लड मनी में डेजर्ट की सबसे महंगी सवारी, और वो भी 100। तो उस वक्त डेजर्ट की सबसे महंगी सवारी थी कैमल, और कैमल में सबसे एक्सपेंसिव थे रेड कैमल्स। तो कोई भी मर्डरर विक्टिम फैमिली को देगा रेड कैमल्स 100, तो ये बना डेजर्ट की मोस्ट एक्सपेंसिव सवारी 100। मुफ्तियान कहते हैं कि आज के दौर में जब कोई किसी मर्डरर विक्टिम फैमिली को ब्लड मनी देगा तो आज के दौर में सजा यही रहेगी, उसको डेजर्ट की सबसे महंगी सवारी देनी है 100, और वो 100 देनी है किसको, फैमिली को। आजकल डेजर्ट की सबसे महंगी सवारी कैमल्स नहीं है, आजकल डेजर्ट की सबसे महंगी सवारी जो है वो रेड कैमल्स नहीं है, आजकल डेजर्ट की सबसे महंगी सवारियों में से एक सवारी है लैंड क्रूजर। तो मुफ्तियान कहते हैं कि अगर करंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कन्वर्जन इस तरह से होगी कि अब कोई मर्डरर जो है विक्टिम फैमिली को देगा तो वो देगा 100 लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर की सर कीमत डॉलर के बाद और बढ़ गई है, मैं तो बड़ी ख्वाहिश है लैंड क्रूजर खरीदेगी, तो वो तो और ऊपर जाती जा रही है, और लैंड क्रूजर जो है वो यूजली 5 से 6 crore की हो गई है। चले काम करें, बंदा कहेगा तुम्हारा बेटा भी पुराना था तो मैं तुम्हें लैंड क्रूजर भी पुरानी देता हूँ, तो पुरानी से पुरानी लैंड क्रूजर उठाने मतलब अभी भी पुरानी ना उठाने, तो 2012 की उठाएंगे तो भी 3 crore की है। तो आप एक काम करें 2006 और 2007 का मॉडल उठा लें, 12 साल पुराना मॉडल उठा लें,
तो 1 करोड़ की तो लैंड क्रूजर आएगी। अगर एक लैंड क्रूजर 1 करोड़ की है तो 100 लैंड क्रूजर 100 करोड़ की आएंगी। मैं इजी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और 100 करोड़ का मतलब बेटा ये है कि यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है। सरफरम इतनी बड़ी अमाउंट क्यों रखी ब्लड मनी की बेटे? इसलिए रखी ताकि कल को कोई ये ना कहे, तो कत्ल करने के शौक से ना आ जाएगी, अगर मैं इसको मारता हूं मैं फिर पैसे दे दूंगा। पैसा इतना ज्यादा है कि बहुत अमीर तरीन आदमी के भी छक्के छूट जाए। तो आज के दौर में वैसे तो कोई भी सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन जो एक्यूरेट अमाउंट को 100 के हम कन्वर्ट करेंगे तो 100 करोड़ के लगभग बनेगी। तो फिर खून का बदला खून होता है और खून का बदला ब्लड मनी होता है। इसका चार्टर मदीना से लिंक क्या है? अगर मदीना को ब्लड मनी जैसी अमाउंट पे करनी पड़ गई, मदीना एक पुअर स्टेट है, मदीना के फंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर मदीना को ब्लड मनी की अमाउंट पे करनी पड़ी, हर रेजिडेंट जो है मदीना का ब्लड मनी में शेयर डालेगा ताकि फिर मदीना की स्टेट जिसको भी ब्लड मनी पे करनी है कर दे, क्योंकि मदीना के फंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर किसी ने ब्लड मनी में अमाउंट शेयर करने से इनकार किया तो ये बिट्रेल और ट्रेजरी होगा और इसकी सजा जो है एक्साइल से लेके मौत तक दी जा सकती है। ये हमारे पास चार्टर ऑफ मदीना खत्म हुआ। मैं वापस रिपीट करता हूँ, इक्वालिटी, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग जस्टिस, no compulsion religion, religious freedom, no demolishing of their worshipping sites, no confiscation of their properties, no extra taxes, financial liberty. Responsibilities 4 hai, peace wallet nahi hoga, blood money share karni padegi, aur defending Madina ka mamla hoga, warna violation kilayegi, and everybody must report to Prophet any sort of riot or any sort of conflict, and Prophet is having the power to decide the matter. Huzur ke alawa koi bhi matter decide nahi kar sakta, because Prophet is not the chief of Madina, he is a common chief of the whole of Madina, he is a king of Madina. और हुजूर की जो है वो मुशावरत या हुजूर के फैसले के अलावा कोई फैसला कर नहीं सकता। यहाँ से मैं क्लास आपसे ट्यूजडे को कंटिन्यू करूंगा। अब हम क्लास खत्म यहाँ पर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा। इसको अपने यहाँ से रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह ऑन ट्यूजडे। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। मोहम्मद बासिम, 5 रिकॉर्डिंग्स के लिए वन ड्राइव के फोल्डर का एक्सेस होगा आपके पास। आप एक काम कीजिए, मैं ग्रुप पे रीपोस्ट कर देता हूँ। वन ड्राइव का एक्सेस कैसे मिलेगा उसकी मैं जो वीडियो है और उसका जो मैसेज है मैं अभी ग्रुप में पोस्ट करता हूँ। मैं तकरीबन असर की नमाज के बाद कोशिश करता हूँ, करूँ, मेरी क्लास है बहादुराबाद में फिलहाल, तो मैं पोस्ट कर आपको देख लीजिएगा। कंफ्यूजन हो तो कैंपस में कॉल कर लीजिएगा। गुलशन कैंपस के आप हैं तो तकबीर भाई आपको बता देंगे। और आप पहले वो वीडियो और मेरा मैसेज देख लीजिएगा, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में उसको भेज रहा हूँ। मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में आते रहो। चलें जी, अब इंशाल्लाह आपसे अब ट्यूसडे को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।